कैमरा ऑन है। <laughs> देवी और सज्जनों अब आपके सामने प्रस्तुत है, अंग्रेजी जी जान से मैं आती जाती ऐसी शौरत की जरूरत नहीं मुझे थोड़ी मोलती मगर ज्यादा फुर्स चाहिए मुझे, सबर करके का सफल, मुझे का सबर करके चमक देखी सीखा जंगल का तरीका मैंने भेड़ियों के बीच में करके सबको ढेर में बनकर निकला शेर में घुमरााले बाल वालों को बहुत समस्या होती है क्या बहुत सारे ऑडिशन में घुमराले बाल वाले हीरो बनते हैं। और स्कूल में ऐसा हुआ ऐसे मूल हाँ हाँ, बहुत बार आपका सीए कौन है पापा ही चतुर्वेदी जी मतलब वो चाहते कभी नहीं था कि मैं सीए कहते थे मुनीम नहीं बनना कहते कि इतना पैसा कमाऊं कि हिसाब रखने वाला कोई हो मैं कहता था क्या करूं देखो बेटा घर पे छत है माँ दो रोटी बना देगी तुम का अपना काम करते जाओ यहाँ नहीं होगा हॉलीवुड में ट्राई करेंगे भाई साहब <laughs> <laughs> कहाँ मिलते हैं जैसे ऐसे पापा कुछ और दोस्तों के लिए लाने हो मतलब काफी चिल्टाइप के लग रहे हैं पहला ब्रेक फिर कैसे मिला लाइव सही है मैंने किया था लव रंजन सर का जब वेब शोज शुरू ही हो रहे थे ओ पे आना तब यूट्यूब पे एक मिनी सीरीज आई थी लाइव सही है मुझे लव रंजन सर के कि मुझे पता था प्यार का पंचनामा में लॉन्च किया उन्होंने नए लड़कों को तो मुझे लगा मुझे भी लॉन्च कर देंगे वो वन ऑफ द सुपर हीरोपर हीरो का किरदार मिला था मुझे ब्रह्मास्त्र थी बता ही देता हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था यार कि मैं क्या करूँ बैठा कास्टिंग डायरेक्टर के साथ मैं बोला सर मैं नहीं कर पाऊंगा खड़े हो गए अपने पागल है

सर ये सब काट दीजिएगा मैं दिक्कत ना आपने कुछ बोला नहीं मैंने बोला ना ये तो मेरी रिसर्च है और तृप्ति डिमरी के साथ वो हो चुकी है शूट सभी बताओ मैं तो यहाँ फंस गया हूँ भाई पर ये पेरुमल का रिमेक है <laughs> पहली फिल्म कौन सी देखी आपने जो ऐसे ही होता है ना कि बड़े पर्दे पे फिल्म देखो बड़े हीरो हीरोइन सब गुंडे सब चीजें बड़ी बड़ी दिख रही है तो लगता है ये क्या है प्यार किया तो डरना क्या हाँ और मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन इतना की रोने लगे मिले तो बिल्कुल बहुत बड़ा फैन उनका मतलब शाहरुख सर तो है ही मतलब वो तो जवानी में समझ आए मोहब्बत <laughs> <laughs> लेकिन बच, जब बच्चा था मैं तो लॉन्ड बने में सलमान जवानी में शाहरुख समझ आते हैं ऐसा है क्या बिल्कुल सिद्धांत गली बॉय देखी और रहा ना गया किसी भी फिल्म में कलाकार को कैमरे के सामने साधारण रहना सबसे कठिन काम होता है आप थे आपकी अदाकारी के लिए बधाइयाँ और स्नेह अमिताभ बच्चन बहुत बढ़िया खुश बम्स आ गए होंगे पापा के लिए मतलब समझ रहे हैं टिकट ले लेके मतलब जिसके लिए जिसके लिए हाँ उनका आ गया मतलब अप्रूवल तो वो बहुत बड़ी बात है वो तो दिन मुझे आह वो कमाल कर उस दिन लगा कि यार हो गया है काम रॉट टू यू बाई सेंसोडेंट केक अभी ले आए का करंट ग तो का करंट ऑन नहीं बताता हूं, बताता हूं ये तो मेरे मॉम मॉमडाइड की एनिवर्सरी थी तो सिंगापुर में सोचा ले चलता हूँ उनको घुमा तो अभी थर्टी फर्स्ट जनवरी को हमारी बात हुई थी जब तो उसके बाद मैं गया है कि वहाँ ले चलता हूँ उनको थोड़ा घुमाऊँगा और तो मम्मी को था कि यार एनिवर्सरी है तो पापा को कह रही थी कि बैग खरीदिए कोई कोई बढ़िया सा कोई बैग चाहिए तो पापा बोल रहे थे कि हाँ ले लेते हैं ले लेते हैं ये बड़े ऊँची ऊंची के स्टोर वोर थे तो कहा कि बड़े महंगे होते हैं ये बट ले लेंगे तो मैं गया कि मम्मी को चाहिए तो लेना तो है तो ले गया मम्मी को एक स्टोर में कि मम्मी ये देखो ये सब कुछ मम्मी ने देखा बढ़िया लगा सब कुछ अच्छा हो गया मैं कार्ड निकाल के देने जा रहा हूँ तब तक पापा आ गए पापा ने बोला कि जानता रहो कितना के भाई तो मम्मी लिखा क्या है के इट वॉज़ अराउंड टू टू पॉइंट फाइव लैक्स मम्मी ने बोला अरे जब बैग खरीदते इतना छोट बैग खाती ढाई लाख रुपया बोला ले लो मम्मी क्या दिक्कत है अभी तो लिए कमा रहे हैं मतलब इसीलिए तो है कि मम्मी को खरीद तो वो मैंने मम्मी को उस दिन कहा कि आप खुद से कभी नहीं खरीद पाओगे क्योंकि आप नहीं खरीद मैं मुझे गिफ्ट देना पड़ेगा आपको कभी ना कभी तो वो पेंडिंग है अभी कैमरा ऑन है <laughs> हाँ <laughs> आंटी चाची जी आप कभी इसके चक्कर में ना आइएगा ये बुड़बक हो गया है वहां बंबई आके ढाई लाख के बैग में भी सामान वही आता है विशुद्ध पैसे की बर्बादी है एक जिमी जिमीचू इमीचू टाइप की चिप्पी लगा देते हैं उस पर और उसी का पैसा कतरते हैं और ये जो एक एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं वो सब ये बोर्डिंग बड़े बड़े होर्डिंग वोर्डिंग लगवाने में हीरो हीरोइन -हीरो लोगों से उसका प्रचार करवाने में करते हैं झोला मजबूत हो हाथ में पकड़ में आए जेब कतरा छीन के ना ले जा पाए सब सामान उसमें आ जाए ये बड़ा जरूरी है सुंदर वंदर हो बस लाखों रुपया इसके लिए खर्च किया जाएगा है क्या कर रहे हो यार तो? ही नहीं है। अरे इच्छा होती है ना कि मम्मी के लिए कुछ ले आए लेकिन मम्मी को कहाँ गूँची और पराडा से कोई मतलब हम सिद्धांत को समझा रहे हैं ये आपके लिए बढ़िया कोल्हापुर से महालक्ष्मी हार लेके आए सत्रह तोले का उसमें बारीक काम होता है सोना टिकाऊ चीज है बिल्कुल इस पर हम और हमारे एक मित्र हैं अभिनव वो बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप में काम करते हैं उनकी शादी होने वाली है तो उनकी जो फ्योन्स हैं वो ऐसा ही एक झूला लेके आई दोनों बड़े क्लोज हैं हमारे तो बड़ा चहक के दिखा रहे हैं ये मेरा पहला डिजाइनर बैग ये वो तो हमको एक तो उसमें कुछ भी डिजाइनर नहीं दिखा भगवान कसम ब्राउन रंग का रेगुलर दो बद्धी लगी हुई उसमें ऊपर पटकने के लिए दो चिटकनी लगी हुई मेटल की तो उन्होंने फिर हमको एक थ्योरी समझाई कि एक होती है डिमांड एंड सप्लाई से वैल्यू लॉक होने की थ्योरी और एक होती है कि, कि सॉरी एक थ्योरी होती है कि फर्ज करिए आपके ये जूते हैं अब इन जूतों को भैया जूते दिखाओ भाई साहब भाई साहब के जूते दिखाओ अब मान लीजिए कि इस जूते के लिए जो फैब्रिक है वो बड़ा रेयर है इसकी हाथ से इसकी कटाई हुई ठीक है इसको काटा गया इसमें किसी ने पच्ची कारी की किसने बड़ा आर्टिस्टिक काम किया तो इसमें ह्यूमन स्किल लगा लेबर लगा और मटेरियल बहुत रेयर लगा तब ये जूता बना और फर्ज करिए कि इस जूते की कीमत हजार है तो समझ में आता है दूसरा है कि इस जूते को बहुत कम बनाया जाए सामान्य जूता है और इस पे मार्केटिंग के जरिए इसकी कम उपलब्धता के जरिए हाँ। कि साहब ये मशरूम तो दुनिया में साल में होता ही सात किलो है हाइप हाइप कल्चर हैल्चर तो ये दो थ्योरीज हैं जिनका आपस में संघर्ष चलता है लिमिटेड एडिशन हाइप कल्चर कितने के हैं जूते ये लिमिटेड एडिशन है। <laughs> नमस्ते दोस्तों ये लल्लन टॉप बैठकी है जो इस तरह की मुनादी से कुछ मिनट पहले ही शुरू हो चुकी है इस बैठकी में हमारे मेहमान हैं मशहूर चार्टेड अकाउंटेंट सिद्धांत चतुर्वेदी इनको अभी आखिरी पर्चा देना है देना है फाइनल जब ये दे देंगे तब उसके बाद ये अपनी फर्म शुरू कर सकते हैं लेकिन उसके पहले ये फर्म हो गए कि इनको करनी है एक्टिंग और इसके लिए इनके पूज्य पिताजी वो भी चार्टेड अकाउंटेंट हाँ, हैं जी। वो तैयार हो गए हैं इसमें उनका बहुत बड़ा श्रेय है क्योंकि यूपी बिहार के पिताओं का लीक छोड़कर चलना अपने आप में एक महाकाव्य की प्रस्तावना होती है बलिया से बम्बई का सफ़र खासा दिलचस्प रहा है इस सफ़र में घुटी मुड़ी हुए हैं एक बार सिद्धांत काहे से कि खिड़की से देख रहे थे कोई दूर बैठा गांजा फूंक रहा था और इनको वैसा आदमी नहीं बनना था <laughs> इन्होंने डांस भी किया है और एक्टिंग भी की है सच्ची मुच्ची की एक्टिंग शुरू करने से पहले का से कि ये एक पार्टी में नाच रहे थे इनको पता था कि जोया अख्तर गली बॉय के लिए ऑडिशन कर रही हैं जोया अख्तर को नहीं पता था कि इनको पता था तो इस तरीके से इन्होंने एक्टिंग की भले आदमी हैं थोड़े से शर्मीले भी हैं लगभग उतने ही जितना इनसाइड एज का वो बॉलर है जिसको अमित श्याल का किरदार लगातार बुली करता रहता है भले ऐसे हमको पता चला कि जब ये गहराइयाँ कर रहे थे और दीपिका के साथ इनके कुछ अंतरंग सीन थे तो इन्होंने पहले रणबीर को फ़ोन किया समझने के लिए बताने के लिए और रणबीर की भी इसमें भल मनसाहत है कि उन्होंने इनके अंदर वो कंफर्ट और कॉन्फिडेंस दिया दैट दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्रोफेशन तो इस तरीके की इनकी जर्नी रही है बहुत ऐसी झोला भर फिल्में वो कौन से ब्रांड का झोला था नम्रता नम्रता का ना एकता एकता का हाँ इतनी फिल्में अभी इनने नहीं की हैं या वेब सीरीज की वो झोला भर आए पर जो भी की हैं उसमें इनके काम को नोटिस किया गया है सबसे पहले इनसाइड एज में नोटिस किया गया उसके बाद गली बॉय में जिसमें ये एम शेर बनते हैं कौतुक इनके भीतर इतना है कि जाके जोया अख्तर से पूछते हैं कि ये एम शेर लाइन है कि टाइगर है और उसके बाद हचक के डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं उसके बाद गहराइयाँ की है एक फिल्म की है जो बहुत ही की साबित हुई भूत नहीं, नहीं, फोन भूत। फोन भूत। नामों से नहीं आ रहा है तो अच्छा आप मान रहे हैं बुरी फिल्म से बनाते हैं लेकिन देखिए जनता है जो हाँ डांस बहुत बढ़िया करते हैं हम सोच रहे थे कभी कोई बड़ा स्टेज वाला फंक्शन हो और सिद्धांत का चिकनी चमेली पे जिसको करके इन्होंने एक बॉम्बे टाइम्स का फ्रेश टैलेंट जीता था बॉम्बे टाइम्स वाले मुझे बताया गया है कि कॉरपोरेट डील के बाद ही किसी का जिक्र करते हैं हमने बिना किसी डील के उनका जिक्र कर दिया है इसका एक बिल उनको भी भेज दिया जाए <laughs> तो ऐसे ये भाई साहब हैं बड़े कमाल के इनकी अभी योद्रा युद्ध योद्धरा नाम से एक और फिल्म आ रही है करण जौहर के साथ भी एक फिल्म कर रहे हैं तो बड़ी कमाल की कहानी है तो आइए गप्पा शुरू करते हैं बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है आपका शुक्रिया घुमराले बाल वालों को बहुत समस्या होती है क्या हाँ मैं बहुत सारे ऑडिशन में पहले रिजेक्ट हो चुका हूँ इस चक्कर में क्योंकि कहते थे कि घुघराले बाल वाले हीरो नहीं बनते हैं ऐसी एक मान्यता थी तो कई बार मैं आ गया हूँ फाइनल राउंड में अपने किरदार से करीब हूँ टैलेंट से एक्टिंग से लेकिन ये लुक की वजह से कई बार ऐसा हो गया है ऐसा कहा गया है मुझे कि करली बाल वाले नहीं बनते तो इनको थोड़ा अगली बार आप कोशिश करिए तो ऐसा होता है और स्कूल में ऐसा हुआ किसी ने ऐसे मूल हाँ, हाँ बहुत बार बहुत स्कूल में तो काफ़ी बुलिंग हुई थी मेरी करली बाल को लेकर कहाँ पढ़ते थे मैं पहले था राजंस विद्यालय में मुंबई में उस पहले तो ज्ञान पेटिका में था बलिया उसके बाद राजंस विद्यालय में आया उसके बाद गोकुल धाम हाई स्कूल पहले तो बलिया का बताओ जी पैदाइश भी वहीं की है पैदाइश वहीं की है नगवा बलिया नगवा नगवा की है मंगल पांडे वाला नगमा जी वाह <laughs> तो कौन सी क्लास तक पढ़े वहाँ वहाँ सीनियर जूनियर किया तो स्कूल जाने का मन करता नहीं था सीनियर जूनियर तो नहीं बोलते होंगे बलिया में केजी वेजी मुझे याद भी नहीं है क्या मैं जाता ही नहीं था स्कूल थोड़ा बाबा थे तो बहुत ज्यादा प्यार देते थे तो रोज रो देता था मैं कि ना जाइब हां आज ना जाइब मुन्ना भैया थे जो घर संभालते थे तो वो हमें साइकिल पे ले जाते बड़ा सिद्दी बच्चा था मैं तो एक बार ऐसा था कि कलर की कलर बॉक्स दिख गया कहीं पे दुकान में तो कहा कि कलर बॉक्स खरीदना है मुझे तो कहा कि आज पैसा नहीं है तो आज जाने दो तो मतलब नहीं आज रोको साइकिल रोको साइकिल के टायर में जो साइकिल का जो है पहिए में मैंने अपना पैर डाल दिया तो पूरा जितने भी वो स्पाइक्स होते हैं जो तिलियाँ होती हैं सब अंदर घुस गए तो बड़ा जिद्दी लड़का था मैं उस उस किस्म में ये आपका बार बार था पे बड़ा जोर आ रहा है कि ज़िद्दी लड़का था अब नहीं है अब नहीं है अभी क्या हो गया कि जब वहाँ से मैं यहाँ आया पाँच साल रहने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि पूरी दुनिया बदल गई वहाँ बड़ा घर था आ, सब बाबा से बादा, बड़ा प्रेम था मुझे अब वो नहीं रहे आ, दादी से था तो बड़ा पैम्पर्ड था जब हम लोग यहाँ माइग्रेट हुए आ, तो एक, एक छोटा सा घर था जहाँ रहते थे हम लोग और जो मुंबई की जो ये, ये जो शोर शराबा था उसमें कहीं ना कहीं वो जो जिद है ना धीरे 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 दबती गई ऐसा लगा कि यार कहाँ आ गया हूँ मैं बड़ा वो कहता है ना उसको डिसप्लेसमेंट किस्म की फीलिंग आती थी कि बड़ा रोया मैं पाँच दिन तो मुन्ना भैया को साथ में आना पड़ा और एक रात जब मैं सो रहा था तो अगले दिन पवन एक्सप्रेस लेके निकल गया सुबह सुबह और मैं उठा उठाऊँ और भी इतना रोया हूँ तो एडजस्ट होने में काफ़ी समय में लगा लेकिन ये जो शहर में आके थोड़ा आदमी जो है ना कि मतलब अच्छा एडजस्ट होने में काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंस क्योंकि इंग्लिश आती नहीं थी हिंदी आती नहीं थी भोजपुरी बोलता था मैं और तो क्लास में भी समझ नहीं आता था कैसे मांगू क्या मांगना है कैसे बात करने में शर्म आती थी कोई वाक ऐसा हुआ एक बार कि किसी बच्चे ने कुछ जाके टीचर के बेंच पर लिख दिया था ये फर्स्ट स्टैंडर्ड की बात हुई आ, और आ, टीचर ने सब आई टीचर टीचर ने सबको खड़ा किया कि बताओ किसने किया है तो उस लड़के को पता था कि मुझे बोलना नहीं आता हिंदी या इंग्लिश तो उसने कहा कि इसने किया है मैम ही ही हैज़ डन इट और सिद्धांत स्टैंड अप मैं स्टैंड अप हो गया और बोला कि यू शुड नॉट सुनाए उन्होंने दस मिनट तक तो, और मेरे अंदर मैं भूल ही नहीं पाया कि मुझे मुझे आती नहीं थी कि इंग्लिश में मैं, मैं खाली ऐसे कर रहा हूँ और आंखों में से आंसू आ रहे हैं मैं बोल ही नहीं पाया कि मैंने नहीं किया है तो सबको लगा कि मैंने नहीं किया है और वो दिन मुझे याद है अभी तक कि जो लैंग्वेज बैरियर था मतलब मैं कैसे बोलूँ कि मुँह से भोजपुरी निकलती थी कि हम हम नहीं कि वो ये निकल जाता या कोशिश क्योंकि और इंग्लिश माली इंग्लिश मीडियम स्कूल था तो ऐसा था कि हिंदी बोलने में भी हिंदी में भी एक एक्सेंट या एक टर्न एक था आ, मतलब एक स्विंग था तो बड़ी शर्म आती थी तो मैं बोल ही नहीं पाया क्लास में कि मैंने नहीं किया है वो और वो मैं अभी तक मुझे वो चीज़ याद है वाक्य याद है क्योंकि मैं बीच बीच में रह गया कभी कभी अजीब लगता था कई साल लगे धीरे धीरे सीख गया मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश तो मैंने दसवीं के टेंथ के बाद इंग्लिश मीडियम से पढ़ा पढ़ाऊँ लेकिन इंग्लिश सीखी लड़कियों से बात

वो एक वो अलग होता है लड़कियों का थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड किस्म का होता है मामला वैसे जहाँ जिस स्कूल में था मैं एकेडमिकली तो वहाँ तो काफ़ी ऐसा था तो कई लड़के बात कर भी लेते थे लेकिन मैं नहीं कर पाता तो जब बात करने का मन हुआ देख तो रहे लड़कों तुमको गाली गलौज वाला और लड़कियों को सोफिस्टिकेटेड करार दिया गया है अरे नहीं नहीं मार्क करो इसको भाइयों के बीच में तो चलता है फिर तो वह शुरू किए मैंने थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ के विलियम की डेफिडल्स पढ़ ली कविताएं इंग्लिश में पहली मैंने लिखी और जिस लड़की से थोड़ा प्रेम था लिखी मैं कविताएं लिखना मैंने शुरू कर दिया तो उस, उस तरीके से मैं सीखने लगा वो याद है आ, याद तो इंग्लिश वाली नहीं है हिंदी वाली सारी याद है <laughs> देवी और सज्जनों अब आपके सामने प्रस्तुत है मशहूर अंग्रेजी कवि सिद्धांत चतुर्वेदी अरे नहीं 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 इंग्लिश वाली नहीं याद है सर इंग्लिश अरे एक तो सुना दो जो हर चीज वाले ग्रीटिंग कार्ड पे लिख के भेजी होगी अरे अरे बहुत आ, क्या था आ, कुछ ऐसी होती थी वो कि स्विंगिंग टू द मून एंड मैरी गो राउंड टिल आर हेड्स फाइंड टिल आर हेड्स टर्न इन द स्पेस इट्स यू एंड मी एंड द स्टार्स एंड इट्स यू योर इट्स माई लुक एंड योर गेज इस किस्म की कुछ थी तो ऐसी कुछ लिखी थी आप बचपन से ही कतई रोमांटिक किस्म के थे क्या हाँ मतलब था मतलब प्यार था कविताओं से मतलब ऐसा लगता था यही एक मोड ऑफ कविताओं मोड़ से प्यार था या कन्या से प्यार था इसलिए कविताएं जरिया बन रही थी नहीं मुझे लगता है कि मुझे आ, शब्दों से प्यार था और शब्दों को निकालने का जरिया मुझे लगा कि ये बन गया ये बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला जवाब अरे नहीं कसम से नहीं नहीं तेरे मतलब रोमांटिक तो हूँ मैं लेकिन शब्दों से ज्यादा प्यार है मुझे मुझे लगता है पर उसके पहले रंगों से प्यार था लेट्स गेट बैक टू द साइकिल रंगों से प्यार था तो मुन्ना भैया लेके जा रहे थे मुन्ना भैया लेके जा रहे थे डाल दिया पैर टायर में खरीदना पड़ा जाके उधारी में और अलग वो अलग दुनिया थी वो 5 साल कुछ अलग थे आ, बाबा के साथ बैठ के बाबा पढ़ाते थे आ, मुझे आ, बड़े किस्से सुनाते थे रामलीला होती थी वहां पे रामलीला ले जाते थे समोसे मिलते हैं वहाँ चटनी के साथ छोटे छोटे वो खाता था मैं और कुछ अलग दुनिया थी यहाँ के कुछ मुझे लगता है कि ऊंची-ऊंची बिल्डिंगों को देख के कहीं अपने जो अपना जज्बा है कहीं दबसा गया फिर धीरे धीरे समय लगा कॉन्फिडेंस आया धीरे धीरे और फिर लगा कि यार अब जो करना है वो करना है ज़िंदगी में तो सीए तो करना पड़ा पहले क्योंकि और कोई माध्यम था नहीं था कि बैकअप के तौर पर मैंने किया उसके बाद कहा कि यार ये मुझे एक्टिंग में करना है और जब मुझे स्टेज मिलता है या जब मुझे कुछ चीज़ मिलती है तो थोड़ा खुल जाता हूँ वैसे मैं बड़ा शर्मीला किस्म का समझाऊँ तो हमने पढ़ा था ब्यूटी मैगजीन्स में कॉस्मोपॉलिटन वगैरह में कि लड़कियों को ऐसे शर्मीले लड़के पसंद आते हैं अरे नहीं नहीं, नहीं <laughs> ये वो वाला शर्मीला तो नहीं था नहीं नहीं, नहीं अरे भाई साहब की कॉफ़ी ले आओ यार लंदन टॉप है क्या तुम लोग उधर बाय बाय घूम रहे हो कॉफ़ी दो उनकी कहाँ उधर घुमा दी गई चाय मंगवाई थी क्या मंगवाई चाय 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 अच्छा एकता जी की चाय थी मैं बड़ी माफी चाहूंगा ये एकता जी एकता जी आपका काम देखती है हाँ एकता जी हैं और मुंबई से आई हैं थैंक यू एकता जी और एकता जी के पास ही वो झोला चू है झोला चू जिसकी हम चर्चा कर रहे थे अच्छा अभी जाना होता है बलिया जी जी जाता हूँ मैं आ, तो बड़ी भीड़ ऑटोग्राफ पिक्चर सेल्फी हाँ होता है अभी हाल ही में मेरा जने हुआ तो गया था मैं अभी पिछले साल तो पूरे विधि विधान से हाँ हाँ मेरे भाई का और मेरा साथ में मेरे भाई उन्नीस साल का है हाँ। तो मेरी तो शूटिंग चल रही थी तो मेरा पूरा नहीं किया गया हल्का सा काट का। हल्का सा काट दिया गया उन, उसका पूरा मुंडन मुंडन हुआ है बढ़िया भिक्षा मांगना भिक्षा मम्मी पापाओं को बड़ा चाव मिलता है इन सब चीजों में उनके बड़ा जुड़ाव है ना छठ पूजा मनाती हैं मम्मी आ, अब तो जान ही पाती है तो ऊपर एक टब में मना लेती हैं छठ पूजा जीवतिया मनाती हैं जो हमारे लिए रखा जाता है तो वो एक माला हो जीवतिया हाँ ये आपके पूर्वांचल साइड होता हुआ क्या होता है सो so, जीवतिया में व्रत रखा जाता है अपने बेटे के लिए सन्स के लिए मतलब जो उनके पुत्र होते हैं उनके लिए व्रत रखा जाता है जो माए रखती हैं और एक माला होती है जो पहनाते हैं वो लोग तो, प्रोटेक्शन के लिए फॉर द वेलबींग सुरक्षा जीवन लंबा हो अच्छा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सिद्धांत कि आपने शुरू में ही लैंग्वेज बैरियर का जिक्र किया क्योंकि हम सब लोग जो भी गाँव से कस्बों से आगे की यात्रा करते हैं हम सब ने सब ने वो उपहास झेला है बिल्कुल ना, उस चीज से और जब हम बोलने भी जाते हैं हम लोग कहीं तो इस बात का जिक्र करते हैं तो एक तो आप लैंग्वेज बैरियर से आपने ओवरकम किया रीजनल आइडेंटिटी को लेकर भी कोई कन्फ्लिक्ट था या मुंबई इतनी कॉस्मोसिटी है कि सबको एब्जॉर्व कर लेती है हाउ वाज दैट प्रोसेस रीजनल आइडेंटिटी को लेकर uh, होता तो था क्योंकि uh, जहाँ मैं uh, रहता था वहाँ अलग अलग uh, थे लोग तो रीजनल uh, तो थोड़ी बहुत बत... बचपन में मस्तियाँ होती हैं कोई भैया भैया कहकर जो बुलाते हैं कि भैया है ये वो तो वो का वो थोड़ा बहुत तो होता ही था बट वो कभी मैं इतना माइंड नहीं किया मैंने मतलब ठीक है जो भी है वो सारी चीज़ें होती थी बट वो ज़्यादा लगता नहीं था ठीक है मतलब अलग अलग हम जो होता है कि वही तो होता है कि खिंचाई कर लो कुछ कह दो कोई मजाक ले लो कुछ फिरकी ले लो तो उस उस बीच में वो सब चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखी बट रीजनल आइडेंटिटी को लेकर तो इतना कुछ हुआ नहीं मैं बड़ा ही मुझे मम मेरे माता पिता ने बचपन से ही वो चीज़ काफ़ी अंदर थी वो जो गर्व था कि हम जहाँ से आते हैं आ, क्योंकि आ, मेरे पिताजी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं तो पूरे किस्से बताते थे तो मुझे जोड़ के रखा गया भले पाँच साल बाद मैं यहाँ आ गया हूँ लेकिन Uh, मैं अपने जितने भी बी एच यू में मेरे कजिन uh, उनसे जाके मिलता था एक एक दो दो हफ्ता रहता था बी एच यू में बिना उनके हॉस्टल में छुप के uh, मेरी छुट्टियाँ होती थी, थी तो समर वेकेशन मतलब बिडला बिडला से खूब ट्रेनिंग मिली है हाँ बिल्कुल <laughs> और गाँव चले जाता था दादी से मिलने जब दादी बीमार थी तब तो ये सारी चीजें थी मतलब वो हमेशा वो एक गर्व महसूस हुआ है कि जहाँ से मैं सेंस सेंस ऑफ ऑफ बिलोंगिंग बिलोंगिंग और वो मुझे लगता है मेरे माता पिता ने ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस किया है फोकस किया नहीं तो बम्बई में रह के पाँच साल बाद तो कहीं ना कहीं कुछ हिंदी में आपको पकड़ में आ जाती है वो चीज़ लेकिन वो मेरे माता पिता हैं जो कि हिंदी में बात कर भोजपुरी में बात करते हैं घर में और नाम क्या है लक्ष्मण चतुर्वेदी और मीनल चतुर्वेदी तो वो जो है वो उन्होंने काफी और छोटा भाई वो तो अंग्रेज नहीं बन गया नहीं नहीं संस्कार चतुर्वेदी सिद्धांत और संस्कार <laughs> वो क्या करते हैं नौजवान वो आ, क्लासिकल म्यूजिक सीख म्यूजिक में है वो तो आ, हिंदुस्तानी क्लासिकल सीख रहे हैं पिछले आठ साल से तो अभी तो उन्नीस साल का है और आज उसका जन्मदिन है अरे वाह हाँ संस्कार जी आपको बहुत बहुत बधाई आशीर्वाद बड़ा हूँ आपसे तो वो म्यूजिक में उसका उसकी रुचि ज्यादा है संगीत में तो उसके साथ बैठ के कई बार जैम कर लेता हूँ गिटार विटार बजा लेते हैं आप गाना लिखते हैं और वो गाते हैं हाँ वो गाते हैं वो गाते बेहतर है मैं, गा, मैं ट्रेंड नहीं हूँ तो मैं इतना नहीं अच्छा गा पाता हूँ वो बहुत अच्छा गाता है हमारी हम भी बहुत ट्रेंड नहीं है सुनने के लिए तो हम कम अच्छा सुन लेते हैं <laughs> पहली कविता कौन सी लिखी थी आपने हिंदी में हिंदी में पहली एक लिखी थी मैंने जो इसकी देखी मैंने जिंदगी है कुछ मेरी और कुछ तेरी है कुछ हवा में यूं उड़ी है कुछ ज़मीन पर गिरी है धूल सी लगी है इस पे आंसुओं से फिर धुली है फिर उठी है फिर हुनर है लेकिन कमी है तो जेब में और ना वजन सरनेम में पर हम वही हैं जो कल्पना से कल अपना संवार लें मिट्टियों के पुतलों से रंगमंच को निखार दें बहुत सुंदर ये कब लिखी ये लिखी तो करीबन सात आठ साल पहले जब कुछ हो नहीं रहा था जिंदगी में तब डिसाइड कर लिया कि सीए अब छोड़ना है कला में घुसना है तो लिखता रहता था मैं सीए में जितने भी दोस्त थे सारे चले गए क्योंकि अब मैं हीरो बनने निकला था तो आवारा लड़का है इसके साथ ज्यादा घूमना फिरना नहीं है तो मैं कहीं ना कहीं अकेलापन आ, आ गया था चार पाँच साल के लिए कि एक तो आप एक सेट करियर छोड़ के यहाँ पे आ गए तो पूरा ग्रुप पापा की प्रैक्टिस जमी जमाई पापा फर्म में काम करते हैं नहीं उनका सोल है, सोल है सोल हाँ। हाँ, तो एक वो था कि सी ए कर लो तो इसी में लग जाओ सी ए था कि हाँ मतलब वो चाहते कभी नहीं था कि मैं सी ए करूँ वो वो कब वो कहते थे मुनीम नहीं बनना जीवन में मुनीम हूँ मैं और आ, कहते हैं कि इतना पैसा कमाऊँ कि हिसाब रख ले रखने वाला कोई हो जिंदगी में तो उन्होंने मुझे वो हौसला हमेशा दिया है वो कहे कि मैं कर रहा हूँ लेकिन तुम कभी मत करना और मैं हूँ तुम्हारे लिए अगर तुम्हें जो भी करना है मैं पूरी तरह से तुम्हारा सपोर्ट तो आपका सीए कौन है पापा ही है मेरे श्री लक्ष्मण चतुर्वेदी जी जी वाह वही अब मैनेज करते हैं सारी चीज़ें फाइनेंशियली तो वो पूरा संभाल के रखा हुआ उन्होंने तो मेरा ज़्यादा दिमाग लगता नहीं इसलिए ज़्यादा मुझे कुछ अब याद भी नहीं है हाँ। तो भूल गया मैं क्योंकि ज़्यादा उसमें दिमाग लगाता नहीं हूँ बट बहुत पढ़ाई की मैंने चौदह चौदह घंटे ट्वेल्थ के बाद सी पी दी उसके बाद सी पी क्या होता है भाई? जो एंट्रेंस टेस्ट होता है सी का उसको सी पी टी कॉमन प्रोफिशंसी टेस्ट अच्छा तो वो एंट्रेंस टेस्ट होता है ट्वेल्थ में आप दे सकते हैं उसके बाद आप उसका पहला जो आई है उसमें दो ग्रुप होते हैं आपको पास करने अलग अलग उसमें अलग अलग चैलेंजेस में चालीस आ गया तो इसमें एग्रीगेट में आना चाहिए तो ये सारी चीजें करके बी के साथ तो बी मैंने किया और साथ में आई पी सी सी कॉलेज से और दोनों क्लियर किया उसके बाद फिर पता नहीं मन नहीं लग रहा था बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली थी ऐसा लग रहा था अंदर का कलाकार मर रहा है तो और ये अंदर का कलाकार क्या करना चाह रहा था एक तो कविता हो गई तो थिएटर मैंने किया छुप छुपा के क्लासेस मेरे जो थे एक आध दो सी के टैक्स वाले क्लासेस मैंने बंक मारे और जाके मैं थिएटर ऐसे ही ऑडिशन में घुस गया और मैंने कुछ चीज़ें कर दी और मैं सिलेक्ट हो गया और उसी मिठी भाई में इंटर कॉलेजेड जो होते हैं इवेंट्स और उसी में दो तीन प्ले कर लिए साथ में और पापा को घर पे पता था नहीं कि ये कुछ ये कर रहा है लंठाई कर रहा है जो बोलते हैं <laughs> तो कर लिया उसके बाद जब फाइनल एक आध दो प्ले जीत गया तो थर्ड प्ले जब हुआ तब तो मैंने पापा को बताया और पापा मुझे लगा कि शायद बोलेंगे कि यार क्या कर रहे हो लेकिन नहीं उन, उनको तो बड़ा मजा आया उन्होंने बोला यार बहुत अच्छा कर रहे हो तुम यही देखने आए अंकल हाँ देखने आए और सर्टिफिकेट मिला प्रॉपर तो कहा कि यार बढ़िया कर रहे हो तो क्या चलो फिर कोशिश करो देखा जाएगा जो होता है ठीक है फिर बॉम्बे टाइम्स में मैंने पार्टिसिपेट किया वो जीत गया तो एक कॉन्फिडेंस आ गया तो वो पर्ची को लेमिनेट करा के वो पेपर का घूमता फिरता था मैं हर जगह ऑडिशन में ये ये मैं हूं। ये मैं हूं, मैं जीता हूँ सुशांत और जैकलीन दोनों जज थे उस समय तो मैं था कि इनके साथ खड़ा हूं देखिए मुझे बट उसी में फिनाले में फिनाले चिकनी चमेली भी हाँ, जी, जी 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 और मेरे लिए स्केप था मेरे लिए हर्डल था कि यार यही है ये अगर नहीं वो पीछे जाना पड़ेगा वहाँ पे कम से कम चालीस किताबें वेट कर रही हैं टैक्सेशन की और ऑडिट की और ये मैंने बोला यहाँ नहीं जाना ये, ये वाली सी है कि लड़के बहुत काटने वाले हैं <laughs> वाले मैंने बोला यार यहाँ नहीं जाना है वापिस यार ये तो इसलिए मैं पूरी जान लगा दी जब मौका मिला मैंने पूरी जान लगा दी मैं उसमें जो करा लो स्टेज पे गाना करा लो डांस करा लो एक्शन करा लो सब चीजें मैं सीख के बैठा उसके बाद चार साल मैंने उसी में काम किया कि ऐसा कोई ना बोल दे कि बेटा तुमको ये नहीं आता तो हर चीज़ सीखी गिटार बजाना सीख लिया मैंने थोड़ा बहुत गाने का रियाज़ कर लिया राइटिंग करने लगा किताबें पढ़ने लगा फिल्में देखने लगा मार्शल आर्ट्स सीख लिया मैंने तो ये सारी चीज़ें रेडी रखी मैंने कि भाई कुछ ऐसे जैसे कि अब कोई लॉन्च करने वाला है कोई लॉन्च करने वाला कोई पूछने वाला नहीं है लेकिन तैयारी ऐसे हो रही है कि भाई देखो एक ऐसा है कि पाँच साल बाद हम आने वाले हैं हम रेडी हैं हम रेडी हैं वो कॉन्फिडेंस था मैड कॉन्फिडेंस पापा पूरी तरह सपोर्ट करते थे वही मैं सुबह उठता था मैंने वो कहा था जो आपने सुबह उठता था मैं कई बार लगता था सला रोज तो ऑडिशन होता नहीं है हफ्ते में एक एक, एक दिन ऑडिशन होता है आ, ले, ले। तो आ, मैं उठता सुबह कई बार खिड़की में देखता बाहर और मैं सोचता यार मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ यार आ, और सामने एक बैठता था लड़का हमारी हमारी बिल्डिंग का लड़का था सामने बैठता था अरे भाई साहब आप बैठ जाइए खड़े क्यों हैं आप साथ में आए ना सिद्धांत के क्या नाम है भाव आपका संदीप भाऊ क्या करते हैं आप करते क्या है, हाँ, तो खड़े है।, ललन है बड़ा कंफर्टेबल सब एकदम सम्मान से हाँ जी प्लीज तो खिड़की पे खड़ा रहता मैं सोचता कि काम नहीं है यार क्या करूँ कुछ काम नहीं मिल कब तक करते रहूँ मतलब विदाउटेट यूर स्टिल वर्किंग टूवर्ड्स दिखता था खिड़की से खिड़की से दिखता था मुझे एक लड़का बैठा हुआ जो भी कुछ नहीं कर रहा था और बैठ के फूकता था रोज़ और वहीं टून हो जाता था और रात को उसके माँ बाप उठा के उसको ले आते थे तो मुझे लगता था यार इसकी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क है मैं भी खिड़की पर बैठा हूँ कुछ नहीं कर रहा हूँ ये भी नीचे बैठा है कुछ नहीं कर रहा है कम से कम ये मैं तो होश में हूँ तो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो सलाह भाई होश है इसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसकी ज़िंदगी वो होता ना कि स्किप बटन दबा दो या सीधे वहीं उठाओ जब रेडी है करण जोहर आके आके सीधे एक्शन बोले तो वो बड़ा मुश्किल दौर था तो बैठता था पापा के साथ और वो मुझे बड़ा हौसला थे मुंबई में गोरे गोरे में गोरेगा ईस्ट में बिबिसार नगर तो वहाँ रहता था अभी भी वहीं रहता हूँ मैं हालांकि एक जूहू में घर ले लिया मैंने जो थोड़ा मेरा चिलिंग वाला क्रिएटिव पैड जो जैसा है अभी आप मुंबई आई तो बताइए मैं सो so, हाउस के बगल में ही सी फेसिंग है बढ़िया वाला अच्छा पापा की तमन्ना थी जू में घर हो वो जो बाए हाथ पे तीन बिल्डिंग है शाहिद कपूर उसके बगल वाली अच्छा ठीक तो आप आइये कभी एकदम बढ़िया तो पापा का हमेशा से तमन्ना था तो जो भी आते हैं बलिया है से उनको वही ले जाते हैं तो लगता है भाई बम्बई आए हुए हैं समंदर दिख रहा है समंदर पूरा दिख रहा है मायामी बीच लग रहा है और बाकी तो अभी भी परिवार के साथ ही अकेले नहीं सो पाता मैं अकेले मुझे उठना पसंद है जो बर्तन खड़कते हैं मम्मी चाय बना रही पापा अखबार पढ़ रहे हैं तो मुझे वो एक भरा हुआ घर पसंद है तो अकेले तो मैं कभी नहीं रह पाता हूँ तो वो पापा के साथ बैठता था पूछता था कि क्या करूँ समझ नहीं काम नहीं आए को तो यार ये गर्मी की छुट्टियाँ हैं समझ लो मज़े करो किताबें पढ़ो अपने पर काम करो एग्ज़ाम आने वाले हैं

पाप बोलते दे देखो बेटा घर पे छत है माँ दो रोटी बना देगी तुम का अपना काम करते जाओ यहाँ नहीं होगा हॉलीवुड में ट्राई करेंगे माँ बोला कि भाई साहब <laughs> <laughs> मैं ये अभी लगता है कि यार क्या सोच रहे थे हम लोग गोरेगा ईस्ट में बैठ के <laughs> एक छोटा सा घर था वहाँ टू ए बी एच के उसमें तीन लोग चार लोग हैं छोटा भाई तो बड़ा हो रहा था उसको कुछ इतना पता नहीं था लेकिन ये क्या सोच रहे होंगे हम और हो गया यार और मैं अभी भी लगता है कि यार भाई मतलब कुछ तो है जो कनेक्शन है कुछ अगर अब तहे मतलब पूरे सच्चे दिल से चाह होगा हमने शायद और मेरे पापा मेहनत और मेरे पापा बहुत बड़े सिनेमा के फैन थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बच्चन साहब की फिल्में जो है वो ब्लैक में देखा करते थे और टिकट के खिड़कियों पे मुझे बताते हैं किससे किस ऐसे यूपालते हाथ डाल के ट्यूशन की उनको फीस मिलती मान लीजिए दो रुपए तो दो रुपए दो महीने के मिले हैं। तो एक महीने में पूरा पढ़ाई कर लिया रात भर बैठ के एक रुपया टिकटें खरीद ली कई बार दोनों पारी पारी में वो और उनके दोस्त आधे आधे जाते थे पहला फर एक छेद था थिएटर हॉल के बाहर तो छेद में से आधी फिल्म वो देखते थे फिर वो क्लास में आकर अटेंड करते थे फिर उनका दोस्त जाता था फिर अगले दिन उल्टा होता था कि फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ दोनों और भाई क्या पढ़ाया आज बता दो

ताइकोंडोख मतलब मैं गया कि यार मुझे सीखना है मार्शल आर्ट्स क्या करूँ तो ये तीन चार बच्चे थे जो टाइगर शॉफ को तब आई थिंक वो हीरोपंथी के लिए तैयार हो रहे थे तो लॉन्च हो रहे थे तो उनको सिखाया जा रहा था तो मैं वेट कर रहा था कि यार जब इनका हो जाएगा क्लास तो इनसे पूछ लूंगा कि यार तुम मुझे भी सिखा दोगे क्या तो जैसे ही उनका क्लास खत्म हुआ एक लड़का है जयदीप अभी मेरा बहुत धीरी दोस्त है वो जयदीप से मैं मिला मैंने कहा कि यार भाई मुझे सिखा दो तो वो बोला कि हाँ ठीक है चलो सिखा देते हैं तुमको तो फिर वहाँ पे मैंने जयदीप के साथ शुरू किया फ्लिप्स वगैरह सीखना क्योंकि मुझे लगा कि यार मैं लेके आऊँगा ये ये पार्क और वार्क मैंने देखी थी फिल्मों में कि मैं ना मार्शल आर्ट्स पार्क और फिर मुझे उस दिन दिखा वो टाइगर श्रॉफ मैंने बोला यार ये तो पहले आ जाएगा और ये कमाल कर रहा है बहुत ही कमाल कर रहा है फिर हीरोपंती आ गई फिर जब मैं ये तैयारी कर रहा था लेकिन वो सारी चीज़ें भी एक्शन फिल्म में काम आने वाली हैं जो अगली एक्शन फिल्म आ रही है तो कि मैंने जितना जितना हो सके मैंने सब कुछ तैयार रखा अपने आप को Uh, हर uh, तरीके से थ्री सिक्सटी डिग्री अप्रोच था पढ़ाई क्या करते थे पढ़ाई में मैं तो सीए से मुझे हो गया था ट्रॉमा थोड़ा इतनी किताबें पढ़ ली थी तो बड़ा मुश्किल होता था मुझे uh, किताबें पढ़ना क्योंकि ऐसा लगता था किताब मुझे देखनी भी नहीं है चौदह चौदह घंटे पढ़ाई करता था मैं सीए में तो uh, यार बड़ा रिस्पेक्ट से आ रहा है मुझे अपने सारे सीए दोस्तों के लिए बहुत बहुत मैं बहुत ये जो कोनिया है ना ये ये हो जाती हैं काली हो जाती हैं ये दोनों अब तब तो ठीक है मॉइस्चराइजर लगा के ठीक कर लिया है <laughs> क्यों खा ली जाती है मतलब ऐसे बैठे बैठे डेस्क पे अकाउंटिंग खींच खींच के हमारे क्लासमेट है हमारे दोस्त हैं विवेक गुप्ता और हमारे एक छोटे भाई हैं अभिषेक शुक्ला दोनों सीए हैं मैं आप दोनों को बहुत प्रणाम करता हूँ आपकी काली कोहनियों के साथ <laughs> तो किताबें तो इतनी नहीं मैंने पढ़ी छोड़ दी थी कहीं ना कहीं नहीं फिर गर्मियों की छुट्टी में पिताजी ने कहा ना लक्ष्मण अंकल ने कि और पढ़ो तो क्या पढ़ते थे फिर नावल शायरी मैं लिखना मैंने शुरू कर दिया जो भी मुझे मैं, मैं चीज़ें होती थी मैंने लिखना शुरू कर दिया पढ़ता कम था लिखता ज़्यादा था क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं पढ़ूंगा तो ज्ञान तो बढ़ेगा और ज्ञान इतना है कि जीवन में कि कुछ नया नहीं है हर चीज़ हो चुकी है हर चीज़ लिखी जा चुकी है तो मैं मैं लिखना बंद कर दूँगा फिर कॉम्प्लेक्स में आके और मुझे लगा कि मैं लिखता अच्छा हूँ क्योंकि एक आध दो शायरी जो लिखी थी मैंने पहले उससे मामला सेट हो गया था जैसे ऐसे नहीं हमको थोड़ा हम भी तो चेक करें आ, मतलब एक आध दो मैंने गिटार विटार उठा लिया गिटार पे जो मैंने लिखा था उसको बजाना शुरू कर दिया यार एक तो एक गिटार खरीदो है मुरारी हाँ जैसे ये गिटार के प्रसंग आए हम लोग तुरंत गिटार मंगवा तो सके एकदम तो मौके पे चेक हो <laughs> हाँ तो गिटार विटार उठा लिया उस पर अपने जो लिखी थी कविताएं उसको थोड़ा कोशिश की गाने वाने की गुरु बिना उदाहरण के समझी नहीं आता बताओ क्या बताऊँ बताइए जो गाने लिखे वो बताओ एक है कि कहता कुछ नहीं ना बोली तू भी ज़्यादा नहीं बातें शुरू हुई अब छोड़े उनको आधा नहीं खामोशियों से छू ले मुझको मैं भी छू तुझको लेट देख तारे आज सोने का इरादा नहीं बताए राज जो रात आसमान को बता दो तुझको वो भी आज सारे रात को बैठो पास मेरे हाथों में हाथ दो बताओ तुम भी कुछ जो किसी से कभी कहा ना हो शहरों के शोर से और तेरी बातें लोरी सी गाड़ियों की दौड़ से निकल पड़ी थी जिंदगी जो तुम आई ठहर गया टूटा था रहा था मैं बिखर गया निकल गया मैं ढूंढने फलक वही फरक नहीं अब लोगों से चांद तारे तोड़ ले अब किसी का डर नहीं उंगली रख दे जहाँ तू चले वहीं आज अब बना दूं तेरे नाम पे अंतरिक्ष में एक सड़क नहीं <laughs> तो <ये... laughs> हमको लगा साहित्य प्रेमी लोग हैं तालियां कब आ रही हैं क्या है? तो ये गिटार पे ऐसा यही सब चीज़ें है थोड़ा तो हम लोग बहुत जल्दी म्यूजिकल इवनिंग विद सिद्धांत चतुर्वेदी मेरे दोस्त बड़ा बड़े टैलेंटेड है मैं एक एक चीज़ बोलना भूल गया मैं जो थिएटर मैंने मैंने दो, दो जो दोस्त बनाए थे सी वाले तो यहाँ वहाँ हो गए लेकिन थिएटर में जो दोस्त हैं बड़े बड़े टैलेंटेड हैं जैसे आ, रोशन चौहान हो गए गौरव यादव हो गए विघ्नेश तो ये म्यूजिक मतलब म्यूजिक थिएटर मेरे सीनियर्स थे थिएटर में तो जब मैंने छोड़ दिया सीए के चक्कर में मैंने ब्रेक ले लिया तब वो मुझसे मिला करता था मैं उनसे कि यार तो बोले यार सिद्धांत तू कैसे पढ़ लेता है यार इतना पढ़ाई छोड़ यार ये कर यार मैंने बोला नहीं यार पढ़ना पड़ेगा पापा उन समाज में भी पापा ने कहा नहीं कभी किसी ये करो एक होता है ना कि यार उनको कोई ना आके बोले कि बेटा अब आ रहा हो गया तो एक समाज के उससे मैंने कहा कि यार एक एक होता है ना कि एक सबको खामोश कर दो एक डिग्री ले लो तो कोई कुछ बोलेगा नहीं कि अगर जब तक कुछ नहीं होता तक तब तक पापा कह तो सकते हैं कि मैं बस बेटा बेटा सी कर रहा है और पापा ने पहली बार गली बॉय के बाद जब तक बिल्डिंग में कोई ना कोई रिलेटिव पूछता क्या करा नहीं सी ए फाइनल करा नहीं इनसाइड एज तो देखी हमने उसकी नहीं नहीं वो तो ऐसे ही कर दिया उसने ताकि प्रेशर ना आए ना ताकि नज़र ना लगे जब गली बॉय आ गई और कन्फर्म हो गया कि बेटा ही इज़ अराइव्ड तब पापा ती ए कर रहा था, था नहीं नहीं वो अब एक्टर कर एक्टर बन गया तो तब तक वो ब्रिज बना के रखा गया कि ये सी फाइनल अब देगा क्योंकि लोगों की एडवाइजेज आने लगती थी कि अरे मत करो सर करियर इसका सेट है आप क्यों चेंज करवा रहे हो आ, पर पापा ने वो वो चीज़ की और मैंने भी मेंटेन किया कि पा क्यों लोग आके उनको कहें ना कि क्या आप ये कर रहे हो तो पापा को था कि हाँ तो सी ए कर रहा तो मैं सी ए कर रहा था जब तक गली वॉय नहीं आई थी अपेरेंटली लेकिन मैं कर नहीं रहा था चार साल से मैं कुछ नहीं कर रहा था कहाँ है वो किताबें तो पता नहीं कहाँ है पापा के ऑफिस में रखी हुई हैं सारी तो ऐसा कोई दोस्तों का बड़ा योगदान रहा है उसमें बड़े टैलेंटेड है मेरे दोस्त और वो भी सारे थिएटर से अभी भी संघर्ष कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं इसी वजह से वो लाइन शायद निकली थी मेरी कि जहाँ हमारा स्ट्रगल शुरू होता है आई विल कम टू दैट यंग मैन तो क्योंकि वो इत, इतना अभी तक लगे हुए हैं मेहनत कर रहे हैं एक मेरे दोस्त रोशन चौहान वो रेलवे मैन आई है उन उसमें के के मनन के बेटे का पार्ट उन्होंने किया है अच्छा हाँ तो वो धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं उनके लिए भी तो उनके साथ मेरा जो मेरी बैठक होती है जुहू में वही होती है कि बैठते हैं थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन कर लिया तो गिटार ले लिया तो गाने बड़ा अच्छा गाते हैं वो लोग मैं कुछ लिख देता हूँ तो महफिल की बातें होती हैं बाते है। और इन... आ रही आएंगे इसमें बिल्कुल सर आप आइएगा और सब वही वहाँ पे कोई गिटार बजा रहा है तो कोई क्योंकि हम लोग जाकिर के घर पे पाली ऐसी अड्डेबाजी करते हैं अच्छा हाँ पहली फिल्म कौन सी देखी आपने जो ऐसे ही होता है ना कि बड़े पर्दे पे फिल्म देखो बड़े हीरो हीरो इन सब गुंडे सब चीजें बड़ी बड़ी दिख रही तो लगता है ये क्या है हाँ। वो ऐसे जादू आता है ना आंखों में दाखिल होता है हाँ. वो पहली फिल्म कौन सी थी पहली फिल्म देखी जब मैं मुझे बेटा देखने गए थे जब बलिया में थे दादी लेके गई थी लेकिन मुझे वो याद दादी सिनेमा हॉल लेके गई थी हाँ जाते नहीं थे लेकिन बेटा देखने ले थे, हम चाचा को दे रहे थे बेटा देखने दिखाने थे सबको लेकिन मुझे वो याद नहीं है मुझे मम्मी बताती है कि बेटा देखा था हमने क्यूँकी मैं हुआ भी था उसी ईयर में नाइनटी थ्री में शायद जस्ट हाल ही में हुआ था शायद छह सात महीने का हूँ थे हाँ तो वो मुझे जितना याद है मेरी पहली फिल्म आ, मैंने जो मुझे एकदम याद है बढ़िया से वो थी आ, प्यार किया तो डरना क्या पर वो तो 1998 की फिल्म है आ, तो उसके पहले कहाँ उसके बलिया मैं कहाँ थिएटर कहाँ जाए मेला जाता ददरी मेला घोड़ा लेके आ गया था मैं अपने लिए बाबा के साथ घोड़ा लेके आ गया था मैं एक हाँ। ददरी मेला से और फिर दादी ने बड़ी डांट लगाई

मुझे जितना याद है वो और पहली फिल्म तो वही थी प्यार किया तो डरना क्या एकदम क्लियर है मेरे दिमाग में और मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन बहुत बड़ा फैन इत्ता की रोने लगे मिले तो बिल्कुल बहुत बड़ा फैन उनका मतलब शाहरुख सर तो है ही मतलब वो तो जवानी में समझ आए मोहब्बत <laughs> <laughs> लेकिन बच, जब बच्चा था मैं तो बने में सलमान जवानी में शाहरुख समझ आते हैं क्या बिल्कुल

एक्शन फिल्म तो अभी इतनी होती नहीं थी तो ये यही फिर कुछ कुछ होता है मुझे बहुत बड़ी याद है वो कूल तो हर बर्थडे पार्टी में तो सलमान सर का जो वो है और ये मैंने डांस किया है अपने बर्थडे पार्टी में थीम वही होता था तो अगले बार टी शर्ट -शर उतार के टी शर्ट उतार के फिर उसके बाद आई थी कुछ कुछ होता है तो कूल वाला जो था उनका लॉकेट लॉकेट मैंने और चश्मा वो पूरा वो एकदम गैप वाला जो उनका टी शर्ट था वो किया फिर आई प्या ये अरे यार कहो ना प्यार है मैं पागल हो गया मैं बोला ये कौन है यार ऋतिक रोशन को देख ओ रे भाई साहब मतलब जो ना आई थिंक मेरे डांस की शुरुआत वहीं से हुई है मतलब वो जाने जाना आई थिंक सलमान सर से प्राइमरीली हुई है लेकिन जो एक पुशिंग होता है ना जो ये सब जो चीजें हैं ये सब जो करते थे वो हर पार्टी में मैं मेन आइटम होता था पापा आगे खड़ा खड़ा कर देते थे जाओ बेटा करो और जो यूं यूं यू करके मैंने अह औरम मैंने कपड़े वपड़े करवा लिए थे बर्थडे में ये करता था बहुत पागल हो गया था देख के कहा ना प्यारे और तो इस ये तीन फिल्म मुझे अभी एकदम क्लियर याद है। जादू है, है अरे कुछ अलग ही था मुझे लगा यार और पापा भी हर जगह वो यही खड़ा कर देते जाओ जाओ करो डांस करो आगे जाके तो पुश करते रहते थे हमेशा करते रहते थे कहीं फॉर्मल ट्रेनिंग भी ली डांस की कभी नहीं ली एक आध दो क्लासेस किए थे मैंने बीच में लेकिन वो थोड़ा मैं आ, समझ नहीं आया मुझे मेरे लिए डांस ऐसा है कि अगर आप अभी म्यूजिक बजा देंगे यहाँ पे कोई भी म्यूजिक बजा देंगे मैं डांस कर दूंगा यहाँ पे और डांस ऐसा कि मतलब किसी भी किस्म का लॉकिंग पॉपिंग जो भी है बॉलीवुड तो डांस ऐसे एक रुचि थी और ये चार साल में ये भी ये मैंने एक तरह से रियाज़ किया कान में हेडफोन लगा के ये सब जो चीज़ें हैं लॉकिंग वॉपिंग सारी चीज़ें करता था मैं तो वो बचपन से डांस की वजह से ही तो मैं यहाँ हूँ क्योंकि जोया ने मुझे डांस करते हुए देखा था और वो किस गाने पे तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ हाँ ये क्या पार्टी थी ये पार्टी थी इनसाइड एच के सक्सेस की वहाँ मिल गई मुझे जोया अख्तर अच्छा क्योंकि रितेश और हाँ फरहान की वो एक्सेल है जिसने प्रोड्यूस की है जी तो वहाँ मैंने देखा जोया अख्तर आई हुई है तो मैंने कहा हेलो मैम आप आई हैं मैं सिद्धांत हूँ इसमें हूँ मैं लेकिन मैं देखा नहीं है लेकिन ऐसे ही आ गई हूँ रितेश फरहान की पार्टी थी आ गई हूँ मैंने बोला ठीक है अब इसकी कहानी आपको बताता हूँ मैं मैं था कलकत्ता में और मेरे मामा के बेटे की शादी थी तो मैं हम लोग वहाँ थे प्रॉपर वहाँ मजे कर रहे थे बढ़िया माहौल था बारात वारात निकलने वाली थी सब कुछ सेट था वहाँ और आ, हो गई यहाँ पे आ गया कि एक सक्सेस पार्टी है और आ, मुझे आया रितेश सर का मैसेज कि आप तुम आ रहे हो मैंने कहा कि सर मैं तो शादी में हूँ तो आ, उन्होंने कहा कि यार नो यू बेटर कम इतना ही उन्होंने लिखा और पहली बार उन्होंने मुझे लाइफ में मैसेज किया था मेरे पास नंबर था नहीं उस टाइम प्रोड्यूसर का नंबर होना इतना हालांकि हमने एक शो शूट कर लिया था तो मैंने पापा को बताया कि पापा ये ऐसा है वो बुला रहे हैं तो बोले कि जाओ मैंने बोला कि कैसे जाऊँ अभी तो शादी में हूँ मैं तो उन्होंने बोला कि नहीं जाओ ये बहुत बड़ी बात है और सारा परिवार छोड़ने आया है मुझे एयरपोर्ट ऐसे जैसे कुछ बड़ा होने वाला है कुछ लाइफ चेंज हो जाएगी इस पार्टी में और मैं वहाँ गया मैंने कहा कि यार बारात में डांस नहीं कर पाया मैं आ, शादी में डांस नहीं कर पाया तो जितना भी डांस है यहाँ निकाल दूँगा मैं तो मैंने यहाँ पर आके पूरा खुल के डांस कर लिया और जोया ने देखा और कहा कि यार कुछ तो बात है इनमें कुछ सुना नहीं आपने <laughs> मैंने सब सुना है मामा के लड़के की शादी मतलब आई वाज नॉट सपोज टू बी एट द पार्टी और, और जल्दी-पल्दी रितेश मैसेज करते भी नहीं है नंबर भी नहीं दिया तो पापा ने कहा कि पागल हो तुम क्यों नहीं जा रहे हो तो ये आ, इस तरह के इत्तेफाक होते हैं कि बहुत ही केयरलेस सा दिखते हुए बट केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ती है कि अच्छा ये आए हैं अगर ये इम्प्रेस हो गए इनके नोटिस में आ गए क्योंकि इस तरह की कहानियाँ बहुत चलती हैं आराम नगर में वर्सोवा में उनको चलते हुए देख लिया उनको कैफे में देख लिया उनसे पूछ लिया कि तुम तो मॉडलिंग करोगे तुम तो एक्टिंग करोगे हाउ डज इट वर्क सर मेरे लिए तो uh, uh, मेरा कोई भी मूड नहीं था जाने का भाई की मैंने मेरे दो तीन भाइयों की शादी मिस की थी क्योंकि मैं ऑडिशन देता था और वेट करता था माँ बाप चले जाते थे कलकत्ता में शादी हो रही है कि कहाँ हो रही है कि मैं इंतज़ार में था कि कब बुला लें लोग आई ऑन द क्या उनके डिस्पोजल पे मैं बैठा रहता था घर पे अकेले और कई बार ऐसा हुआ है कि उनके आने से पहले ऐसा एक किस्सा हुआ एक फिल्म थी जो कि बनने वाली थी डायरेक्टर से मिल लिया छः महीना लुक टेस्ट कर लिया सब लॉक हो गया मैं इक्कीस साल का हूँ हीरो के लॉन्च हो रहा हूँ और बड़ा बैनर था और मुझे आया कि अब वो लुक टेस्ट मेन जो प्रोड्यूसर्स हैं और वो लोग देखने वाले हैं तो आपको बताएंगे तो उसी समय भाई और भाई की शादी थी तो मैं बोला कि मैं नहीं जाऊँ क्या पता बुला ले तो जाके मिलना पड़ेगा शाम को एक मैसेज आया कि नहीं हुआ तुम्हारा कौन सी फिल्म थी ये एक फिल्म थी जो कभी बनी नहीं कभी बनी ही नहीं वो फिल्म हैप्पी डेज uh, एक फिल्म है उसका रीमेक था एक तेलुगु फिल्म हैप्पी डेज और वो नहीं हुई उस फिर मैंने क्या किया कि मम्मी पापा आए मैं सह नहीं पाया कि वो कैरेक्टर में इतना घुस गया था मैं मैंने बाल छीन लिए अपने जो माँ मम्मी आई दरवाज़ा मैंने खोला है मम्मी क्या कैरेक्टर था ऐसा कॉलेज का लड़का था कुछ था एक, कुछ एक नूान थे तो उस उस किस्म के कपड़े में खरीदने लगा लगा था बाल मैंने खींच खींच के सीधे कर दिए थे ये सब तो अपने आप को उस तरह से देखना पसंद करता था मैं और जब नहीं हुआ तो मैंने बोला कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ अपने आप को तो मैंने छीन लिया बाल पूरे टकला हो गया पूरा बोल्ट मम्मी आई है मम्मी बोली क्या हो गया सब ऐसे धक्का लगे उसका तीन महीना मौन शांति में बैठा हूँ धक्का लगा इक्कीस साल का लड़का उसको लगा कि उसकी लाइफ बदलने वाली है और सडनली नहीं हुआ क्यों क्योंकि उनको था कि नहीं यार जब लॉन्च कर ही रहे हैं तो हमारे कुछ खास मित्र हैं उनके बच्चे हैं जो लॉन्च होना चाहते हैं तो इसको क्यों लें किसी अनजान लड़के को तो ये सब चीज़ें हुई हैं तो वो जिसम और ज़्यादा मजबूत होते गए तो इसीलिए ये शादी में फिर मैं मैं था कि यार पापा इस बार मैं नहीं जाऊँ कुछ नहीं होता ये सब चीज़ों से तो पापा ने बोला नहीं तुम जाओ और मैं गया उस शादी में आ, पार्टी में और जो ना डांस वहाँ बचा हुआ था मैंने बोला कि अब मैं आया हूँ तो मैं डांस करूंगा और मैंने डांस ऐसा किया है कि मैं बार 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 चढ़ के डांस कर रहा कराऊंगा पूरा खुल के एकदम कि मतलब भाई ये है जिसको जो सोचना है सोच है, है? हाँ, जो है वो है मैंने बोला करना है तो करना है कर दिया मैंने जैसे चिकनी चमेली भी देखा होगा मुझे स्टेज मिला था उतना ही टाइम सुशांत था जैकली मैंने ना बोला कि खत्म हूँ तो सुशांत सुशांत के पकड़ के उस, उनके साथ भी डांस किया मैंने तो जो मौका मिल जाए लाइन आ जाए तो फिर मैं थोड़ा ऐसा हो जाता कि भाई यही है इसी के लिए तो हम तैयारी इसी के, के लिए तो जिंदगी भर भाई यही तो किया है और मेरा नहीं मेरे पिताजी का भी संघर्ष जुड़ा हुआ है इसमें मेरे परिवार का भी साथ दिया है तो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो एक मोमेंट होता है इतना तो पूरी जान लगा देता हूँ जब मौका मिलता है तब और अभी भी ऐसा ही है घुसना मुझे बड़ा पसंद है किरदार में जितना हो सके उतना रैपिंग सीख ली मैंने आ, गली बॉय के लिए बिल्कुल ही मिल मैं क्रिकेट सीख लिया इनसाइड एज के लिए जी, क्रिकेट सीख लिया स्टैंड अप कॉमेडी सीख ली खो गए हम कहाँ भी एक फिल्म आई थी आप देखिएगा जरूर बड़ी अच्छी फिल्म है देखी मैंने उसके लिए मैंने स्टैंड अप कॉमेडी सीख ली एंड सरप्राइजिंगली और भी फिल्मों में एक्टर्स स्टैंड अप कॉमेडी करते दिखे हैं आपके दोस्त रणबीर भी दिखे हैं

इस फिल्म की तो जोया ने बोला कि ये चीज़ें कन्वे होनी चाहिए फनीली ताकि स्टोरी को भी आगे बढ़ाएं सपन वर्मा उसमें जोक्स डाले अर्जुन ने बोला कि हाँ ये ठीक है फिर मैंने उसको अपनाया कि नहीं मैं इसको लैंड इस पर करूँगा शायद हाँ। तो ये पूरा एक टीम -वर्क। लगता है वो बहुत एक्ट तो वो मैंने कहा कि यार अगर मैं होता स्टैंड मेरा वही होता अगर जब तक बायोपिक नहीं है तो मैं लिमिटेड नहीं हूँ अगर मैं स्टैंडअप कमेडियन होता तो कैसा होता तो मैं मेरा टाइमिंग इस तरह से हो रहा है कि मैं इस पर लैंड करूँगा जो का वजन वही है लेकिन मैं लाइन डिस्प्ले करूंगा तो उस हिसाब से कुछ चीज़ें की किसको फॉलो करते हैं स्टैंड अप कॉमेडी में मैं स्टैंड राजू सर मेरे बहुत फेवरेट थे बचपन से जब आया था ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था उसके बाद अभी फ़िलहाल तो मुझे जाकिर बड़े पसंद हैं वो मुझे मुझे अच्छे लगते हैं वो और तो और कौन है और बिस्वा अच्छा लगता है मुझे पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अलग सा चीकी चीकी कुछ, चीकी कुछ कुछ अलग आ। लगता है वो आ, और और आकाश गुप्ता जो दिल्ली के हैं वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे सपन वर्मा मुझे अच्छा लगता है आ, तो ये हैं कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस जो कि मैं फॉलो करता हूँ अभी फिलहाल तो पहला ब्रेक फिर कैसे मिला सिद्धांत पहला इनसाइड एज वही था पहला ब्रेक नहीं लाइव सही है मैंने किया था लवरंजन सर का जब वेब शोज शुरू ही हो रहे थे ओ पे आना तब यूट्यूब पे एक मिनी सीरीज आई थी लाइव सही है तब ओ पे चीज़ें धीरे धीरे आने लगी तो यूट्यूब पे पहले आया था की बात ये हो गया मैं बताऊँ 2016 की बात है ये अच्छा 2016 की बात है तो उसमें पंद्रह या सोलह की बात है इसमें उनको पांच पांच सीरीज एक सिटकॉम टाइप था था लड़के बैचलर रह रहे पे लाइफ सही है नाम था उसका एपिसोड हमने बनाए और डाल दिया पे और वो हिट हो गया. और फिर टोन नहीं उन्होंने कहा कि इतना थिक नहीं पकड़ना था उसमें हरियाणवी क्योंकि बेस्ट सारे के सारे कॉस्मोपॉलिटन किस्म के थे Uh, उसमें तो उसमें उन्होंने ज़्यादा एक्सेंट पे नहीं ध्यान दिया उन्होंने टाइमिंग और ये वो uh, चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया तो सीज़न टू कहा कि बनाएंगे क्योंकि सीज़न वन हिट हो गया uh, तो सीज़न टू जब बनाया तो मैंने कहा कि सर मुझे तो फिल्में करनी है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये वेब शो वाला फॉर्मेट तब क्योंकि मैं फिल्में फिल्में करने आया था और उस टाइम मैंने ये कर लिया था क्योंकि मुझे लव रंजन सर के कि मुझे पता था प्यार का पंचनामा में लॉन्च किया उन्होंने नए लड़कों को तो मुझे लगा मुझे भी लॉन्च कर देंगे वो तो मैंने कहा कि सर मैं फ़िल्में करनी है आप वो बताइए सीज़न टू तो नहीं हो पाएगा तो बोले कि यार तुम सीज़न टू कर लो फिर इसी पे लाइव सही है फिल्म बना देंगे हम तो मैं मुझसे हो नहीं रहा था वो एपिसोडिक मुझे लग रहा था यार पता नहीं क्यों मुझसे मुझे लगा कि यार कुछ शॉर्ट सेल कर रहा हूँ कि क्या पता नहीं मज़ा नहीं आ रहा था आ, भले वो काफ़ी ज़्यादा हिट हो गया था लेकिन मैंने फिर कहा कि यार नहीं यार मुझे कुछ और करना है ज़िंदगी में तो मैं अपने निकल गया अपने राह पे और काफ़ी मतलब जो कास्टिंग डायरेक्टर भी थे वो काफ़ी वो भी मिला कि तुम पागल हो क्या कर रहे हो यार इतना चांस किसको मिलता नहीं है तुम करते रहो काम लव सर लॉन्च कर देंगे प्यार का पंचनामा बनाते ही हैं वो नए लड़कों को वही थे जो लॉन्च कर रहे थे तो मैंने कहा कि सर मैं नहीं सर समझ नहीं आ रहा मुझे तो वहाँ से मैं फिर अपने निकल गया इनसाइड एज मिल गया मुझे अब इनसाइड इन तो तो गुरु हिम्मत लगती होगी मतलब फाइनली एक थोड़ी सी सर्टेनिटी मिली एंड यूएसए की नहीं ये नहीं करना है इट टेक्स अ लॉट टू से नो एक बहुत बड़ी फिल्म है मैं आपको बताऊंगा आज गली बॉय के एक महीने पहले ये चीज़ हुई है बहुत बड़ी फिल्म जो अभी आके आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म उसमें एक मुझे पार्ट मिला था और आ, किसी के किसी कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू मिला मिला था मुझे और वन ऑफ द कैरेक्टर्स था वो लेकिन उसमें ना स्क्रिप्ट थी ना कोई ऑडिशन लिया कहा कि यार मार्शल आर्ट्स करते हो एक्शन थी एक्शन फैंटेसी फिल्म थी जो अभी आई और काफ़ी बड़ी हिट हुई थी जिसका गाना भी काफ़ी प्रचलित है <laughs> नाम है तो उसमें एक वन ऑफ़ द सुपर हीरोज़ एक आश्रम है उसमें एक वन ऑफ द सुपर हीरोज़ का किरदार मिला था मुझे तो कहा कि यार करो तुम मैंने बोला कि सर ऑडिशन क्या है एक लाइन वाइन क्या है मुझे भी तो समझ आता है ऑडिशन पढ़ के क्या है बोला नहीं नहीं यार वो बताएंगे अभी ये वी एफ एक्स है तो टाइम लगेगा कुछ तो पाँच साल का प्रोजेक्ट आगे है आगे टाइम लगेगा तो मैंने कहा कि यार सर मैं और मैं मेन डायरेक्टर से मिल रहा हूँ जो कि काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन हाउस और थ्री फिल्म कॉन्ट्रैक्ट विथ दिस फिल्म ब्रह्मास्त्र थी बता ही देता हूँ uh, <laughs> उसमें वन ऑफ द सुपर हीरोज़ का था एक आश्रम में एक सुपर हीरो का था और मैंने कहा कि आयान से मिला मैंने कहा कि यार मुझे कोई स्क्रिप्ट दे दो मुझे समझा दो कि क्या है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कर लूँगा मैं तो सभी स्क्रिप्ट थी नहीं अभी वो भी काफ़ी इनिशियल स्टेज में थे वी एफ एक्स फिगर आउट करने में तो कहा कि नहीं थ्री फिल्म लॉक इन है ये है तो मुझे समझ नहीं आ रहा था यार कि मैं क्या करूँ और बड़ा मुश्किल लिए ऑडिशन की लाइनें लगी हुई थी हम लोगों को देखने के बाद भी समझ नहीं आया ठीक है क्यों क्या है तो मैं बैठा कास्टिंग डायरेक्टर के साथ मैं बोला सर मैं नहीं कर पाऊंगा तो खड़े हो गए उठ के मेरे पागल है धर्मा के साथ तीन फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट मिले धर्मा तीन फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट अयान मुखर्जी रणबीर हाँ। आलिया अमिताभ बच्चन के साथ तो मैंने वही बोला कि सर मुझे कौन देखेगा अगर अमिताभ बच्चन रणबीर कपूर आलिया भट्ट हैं साथ में तो सर मुझे कहाँ दिखेगा कौन दिखेगा और एक दो लाइन तो पता होनी चाहिए कि क्या बोल रहा हूँ तो समझ में भी आएगी शायद मैं मैं खेल दूँ या कुछ कर लूँ अपना लेकिन वो नहीं था तो फिर मैंने जाने दिया उसको बड़ा मुझे बहुत ब्लैकलिस्ट कर दिया गया वहाँ से कास्टिंग से उसके एक महीने ऑलमोस्ट या बल ब्लैकलिस्ट किए तो पागल अजर था बदनाम हो गया था मैं कास्टिंग सर्किट में ये मतलब सिलेक्ट होकर ना बोल देता है है कौन भाई तू इतने बच्चे वेट कर रहे हैं बाहर लाइने लगा रहे हैं इन साइडर आउटसाइडर सारे खड़े हैं बाहर और तुम तुम सिलेक्ट हो जा रहे हो तुम मना कर दे रहे हो क्या है एरिगेंस ये सारी चीज़ें कॉकी ये सारी चीज़ें पागल है ये है वो है मैं पता नहीं क्या मतलब मैंने सर नीचे रखा मैंने कहा कि नहीं कुछ मेरे अंदर जो है शायद मेरे घर पे जाके पापा को पता बता बेटा नहीं सही किया वो कुछ एक मैड बिलीफ लगता है ये सब सम, अब समझ रहे ना कुछ नहीं था उसको ना बोलना उस समय एंड थैंकफुली वो फिल्म को समय भी बहुत लगा मनने में तब तक उसके पहले गली बो आ गई अभी तो वो रिलीज हुई फिल्म और आई थिंक वो शायद वो किरदार भी उन्होंने काट दिया था नहीं उसमें तो वो एक तरह से जो भी हुआ अच्छा ही हुआ तो ये कुछ कुछ था सर कुछ तो लव रंजन छोड़ दिया फिर इनसाइड एज कैसे मिली इनसाइड एज ऐसे मिली क्योंकि एक प्रोडक्शन हाउस जिससे मैं सिनेमैटिकली रेजोनेट करता था वो एक्सल था मुझे फ़रहान सर बहुत पसंद है क्योंकि वो भी लिखते हैं जावेद साहब वो एक है कुछ एक सिनेमा को लेकर वो लोग थोड़े प्रोग्रेसिव किस्म के हैं तो मुझे अच्छा लगता था ये आ, उनका कुछ था कि इन, तो इस पर घुसना है यार इन लोग के ये शायद कुछ है और पहली बार ऐसा हुआ जब मैंने ऑडिशन दिया अनमोल आहूजा अभिषेक बैनर्जी कास्टिंग पे चलाते हैं वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स दे आर द फर्स्ट वन बिलीव इन मी अनायश जब भी मैं मिलता हूँ अभिषेक बनर्जी से मैं उनको मेरे लिए वो वही है चाहे वो अभी इतने कमाल के एक्टर हो चुके हैं इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं लेकिन मेरे लिए वो वही हैं जो उन्होंने बिलीव दिखाया था वो मुझे पागल नहीं कहता तो वो कहता था ये तेरे अंदर है तू सही है कर 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 मना नहीं समझ आए मना कर दे तो मेरे लिए वो दोनों बहुत कमाल के लोग थे आप ये बोल रहे थे मैं इसको अभिषेक बनर्जी की आवाज़ भी सुन रहा था तो उन्होंने इनसाइड एज का ऑडिशन लिया मेरा और उन्हें बोला कि देख सिद्धांत ये बहुत बड़ा शो बन रहा है अमेजोन का बन रहा है और पहली बार वेब शो बन रहा है यहाँ पे किरदार बहुत अच्छा है और तू मैंने ऑडिशन दिया तो मैं सिलेक्ट हो गया था प्रशांत कनौजिया के रोल के लिए मैं सिलेक्ट हो गया था तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा है तुम देख लो आ, मैंने बोला सर वेब शो बोला लेकिन ये बड़े स्केल पर बन रहा है बेटा बाकी तुम्हारी किस्मत मैंने सोचा मैंने सोचा मैंने सोचा और क्रिकेट मुझे पसंद था ही मैंने कहा कि यार मैं कर लेता हूँ मैंने कर ली वो शो मैंने जाके हाँ कर दिया और मैंने मतलब जो भी है जैसा भी है उसके बाद काफी फर्स्ट सीजन तो हम सबको बहुत पसंद आया हाँ तो काफी क्रिटिकल अक्लेम मिला था उससे काफी चर्चा हुई थी उसके बाद भी लेकिन मैं ऑडिशन दिए जा रहा था फिल्मों के लिए आ, था ऐसा नहीं था कि उसमें टाइप कास्ट होना या क्या तो बॉलिंग सीखी हाँ हाँ बॉलिंग एक महीना ट्रेनिंग की मैं, मैं क्रिकेट खेलता था जब राजंस में था आ, तो क्रिकेट खेलता था मैं तो चंद्रकांत पंडित का उनका कोचिंग है भवंस में तो जो विकेट कीपर थे इंडिया के उनके यहाँ पर सीखा हूँ मैं एक साल तो मुझे बॉलिंग थी मेरी मतलब सब कुछ सही था इसीलिए तो सिलेक्ट हुआ था बॉलिंग का एक्शन देखा था उन्होंने तो ट्रेनिंग भी ली मैंने काफ़ी और अंगद भी थे उस शो में हाँ। और वो बड़ा मानते हैं मुझे अभी भी उनके साथ परसों ही क्रिकेट खेल रहा था मैं तो वो बड़ा मानते तो मैं ज़्यादा कर देता था, था चीज़ें कि मैं ज़्यादा कर दूंगा और मैं रियल में डालने की कोशिश करता था यॉकर चाहिए तो यॉकर डालता था ये चाहिए तो वो डालता था बोले कि साले तू इतना तो मतलब हम आई पी चले जाओ भाई इतना तुम कि हो जाएगा भी ये फैक्शन नहीं मैं डालूंगा तो मैं ऑफसेस्ट हो गया था और बड़ा तेज डालने लगा था करीबन सौ के स्पीड या एक सौ बीस तक टच कर दिया था मैंने वो मीटर होता है उसमें दिख रहा था तो दे हैड टू गेट सॉफ्ट बॉल्स फॉर द रियल शूट टाइम बिकॉज हार्ड बॉल अंगद दे दी होता लाइक भाई एक आध दो काले तनुज जेरवानी काले वाले हो गए खेल के वो चिपक जाती थी बॉल मेरी uh, तो uh, आ, लगती तो है। लगती है तो uh, इस वजह से फिर मैंने <laughs> वो सॉफ्ट बॉल के साथ फिर हमें पूरा शूट किया है नकली बॉल के साथ क्योंकि मैं मानता ही नहीं था कि स्लो डाल दो एक्शन करके बॉल मत फेंको बिना बॉल के कर दो मैं बोला नहीं सर मैं, मैं करना चाहता हूँ फील नहीं आएगा चेहरे नहीं हाँ और बोले कि भाई स्टेडियम बुक किया हुआ है टाइम कम है हमारे पास यॉकर डाल दोगे दो बॉल में सर मुझे तीन बॉल दीजिए यॉकर 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 पर बोल्ड करना है एक शॉट है भी इन साइड है में यॉकर जाता और बोल्ड होता सीधे वो मिडिल स्टम्प पे वो मैंने ऑन एक्शन डाला हुआ है लाइक प्रॉपर पिचिंग एवरी तो

होता तब तक तो शायद चैन नहीं आता तो मैं कर ही रहा था कोशिश ऑडिशन दे ही रहा था उसी बीच में मैंने ब्रह्मास्त्र का भी ऑडिशन दिया था उसी बीच में मैंने गली बॉय का भी ऑडिशन दिया था लेकिन जब आया कि क्या बोला जोया को जोया ने नहीं लिया था किसी कास्टिंग असिस्टेंट ने लिया था ऑडिशन और कहा कि यार देखो एक रैप पे फिल्म बन रही है मैंने बोला हाँ मुझे मालूम है हीरो का दोस्त है आ, नाम नहीं बताया मुझे कुछ भी हीरो का दोस्त है ये ये एक दो सीन है कर लो मैंने करके मैंने भेज दिया और फिर मुझे आया फ़ोन की अच्छा तुम्हारा ऑडिशन शॉर्टलिस्ट हो गया मैं बोला से कि लेकिन सर मैं हीरो का दोस्त तो नहीं बनूंगा और ये छः महीने पहले बिफोर आई गॉट सिलेक्टेड मैं तो गली बॉय के लिए पंद्रह दिन पहले सिलेक्ट हुआ उस पार्टी में मिलके जोया को एम शेयर मिल नहीं रहा था और अच्छा पहला ऑडिशन किसी और रोल के लिए हुआ कि पता नहीं शायद मोइन के लिए या एमसी शेर के लिए मुझे नहीं पता या किसी दोस्त के लिए हुआ था तो मैंने बोला सर हीरो का दोस्त तो नहीं बनूंगा अभी मेरी उम्र है मेरे साथ तो मैं कोशिश करूंगा वो को कुछ चार पाँच साल नहीं तो यही करना ही पड़ेगा एक टाइम के बाद तो चार पाँच साल है मैं पूरी जान लगा दूंगा ये नहीं करूँगा और तब आपको ब्रीफ नहीं देते ना आप वो बताते नहीं, नहीं क्या कि क्या स्ट्रक्चर कैसा है स्ट्रक्चर कैसा है तो फिर मैं भी अज्ञानी उस चीज़ में मैंने कहा कि ठीक है नहीं करना है और नहीं किया मैंने उसके बाद कट टू छः महीने बाद जोया मिली और जोया ने जब वो देखा मुझे बोला कि यार मैंने बोला और मुझे था कि यार ये उन्होंने बोला कि एक, और, एक और पार्ट है उसको कर लो मुझे पता है हीरो हर का दोस्त है तो लेकिन यार मैं चाहता हूँ कि जोया ने बुलाया ना तो जोया मेरा देख लो ऑडिशन फिर शायद मना कर लो देखता हूँ शायद नहीं करने का मन हो तो, तो मैंने ऑडिशन दे दिया और फिर जोया का अब देखिए प्रोफेशनलिज्म जोया का फ़ोन है उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बोला कि तुम सिलेक्ट हो गया हो या ये वो करना नहीं उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट लो पढ़ो देखो क्या लगता है बताओ और जोया अख्तर हुए कोई एम नो बढ़ी जोया ने मुझे फ़ोन किया स्क्रिप्ट भेजी मैं स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने बोला यार ये तो कुछ है यार इसमें Hmm. इस किरदार में कुछ है मामूल जोया को मैंने और मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ स्क्रिप्ट और मैं बाहर मम्मी पापा बैठे हैं बाहर जा रहा हूँ तो सीन ऐसा होता है कि ये आता है और ये स्टेज पे है और एक लड़की को दो तीन लड़के यहाँ पे छेड़ रहे हैं और वो एक आता है और वो एक रैप करता है और उनको उधर से मुराद जो रंदीर का कैरेक्टर देख रहा है एक रैप बैटल है और एक ये है और ये है मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ कूद के यहाँ आ रहा हूँ एक्साइटेड होकर कि अरे ये है अरे ये है और मतलब लिटरली नरेट कर रहा हूँ ताकि मतलब और सब जब फाइनल स्क्रिप्ट होगी पापा ने बोला बड़ा लॉकेट कर लो बिल्कुल कर लो ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है पता नहीं क्या होगा और तब हो गया था मैं चौबीस साल का अब डर भी लग रहा था कि अब धीरे धीरे कुछ हो ना हो मैंने बोला यार लेकिन इसमें कुछ तो है यार ये कुछ बात है इस कहानी में और इस किरदार में फिर मैंने जाके जोया को फ़ोन किया मैंने बोला मैं करूँगा मैम मैं ये बिल्कुल करूँगा मैम तो इस कैसे, कैसे, ऐसे हुआ ये घूम के आया वहीं पर मैंने जिस चीज को एकदम से आपके आपके आपकी एनर्जी चेंज हुए हम चाहते है कि कोई प्रकाशक सिद्धांत चतुर्वेदी कवि की कविताएं जल्दी प्रकाशित करे शुरुआत रैप से करते हैं कौन सा रैप लिखा आपने पहला रैप मैंने प्रेपरेशन में एक लिखा था बन के निकला शेर में हाँ वो वाला वो वाला लिखा था मैंने पहली बार कि बचपन से बेचैनी थी कि जीतू हरेबाजी में भागा दौड़ा थोड़ा फोड़ा डूबा मन मर्जी में जाने कितने साल से मैं बिना काम के मैं करता रहा कुत्ते मेहनत जी जान से मैं आती जाती ऐसी शरत की ज़रूरत नहीं मुझे थोड़ी मोदत थी मगर ज़्यादा फुर्स चाहिए मुझे सबर करके सबक सीखा सफ़ल मन के सब का सफर करके चमक देखी सीखा जंगल का तरीका मैंने भेड़ियों के बीच में करके सबको ढेर में बन के निकला शेर में ऐसा कुछ लिखा यू दिस या ये सुनाया आपने उनको हाँ ये मैं जब उन्हें ऑडिशन था तो मैं अपना करके गया था जब मुझे पार्टी के बाद उन्होंने कहा कि यार अपना कुछ रैप आपको याद करके आओ तो मैं खुद लिख के गया था ये और था कि मुझे लगा कि यार ज़्यादा इम्प्रेस करना है मुझे तो मैं अपना लिख के रात भर मैं बैठा और रैप याद करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत फास्ट फास्ट है सब कुछ तो ये मैंने लिखा और रात भर बैठ के और मैं जाके अपना ओरिजिनल तो आई थिंक शी अप्रिशिएटेड कि इतना खुद का लिख के आया उन्होंने तो कहा था वीडियो पे वीडियो वीडियो देख लो और वो याद करके एक दो स्वैग देखा देखना तुम्हारा जो भी है और वो वाला बिल अगर लगे नहीं तो पता क्या करूं अरे वो तो रोमांटिक वाला है वो तो वैसे ही मैंने वही तो आपका ओरिजिनल देखो गुरु शाहरुख खान को यश चोपड़ा ने जो बात कही थी वो आपने सुनी ही होगी जी जी सुपरस्टार बनना है तो रोमांटिक रोल करने होंगे बिल्कुल है और आप तो हाई स्कूल से ही कर रहे हो गिटार बजा के नेक्स्ट वाली जो फिल्म है वो भी रोमांटिक ही है अभी अनाउंस हो गई बड़ी और जो मैंने शूट भी कर लिया है वो भी एक रोमांटिक फिल्म है तो ये वाला रैप तो सुनाइ है वो कुछ इस तरह से है कि दिल अगर लगे नहीं तो क्या करूं बता दिल का क्या कसूर है मेरी क्या खता दे पता उन गलियों का जहां जमा है भूलिया दुका समाए सीने में दफन दर्द ही नशा है तेरा ये दर्द ही नशा है तेरा तेरी उंगलियों में उलझी तो जिंदगी थी सुलझी मेरी हाथ से फिसली बुरे तो जैसी गिरती तू चांद में लहर तो मैं चांद तू लहर मैं खींचूँ तू उछलती मैं गाँव तू शहर बसे रास्तों में मिलती चलते रहना ना ठहर तेरी चलते रहना ना ठहर तेरी छाँव मुझको चुपती आके बटोरे ले मुझे बिखरा अपनी आदत से पास रख ले मेरी जान मुझे हिफाजत से ये था 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 था। और एक ट्रैफिक पे भी तो था <laughs> अरे आपने पूरा अरे वो याद नहीं है मुझे बहुत पहले तो मस्ती में लिखा था मैंने <laughs> वो बिल्कुल याद नहीं है मुझे वो मैंने लिखा था बहुत पहले बहुत फास्ट था वो सिद्धांत प्रोज भी लिखते हैं प्रोज नहीं मतलब मैं आ, प्रोज नहीं मैं एक पेज है मेरा सिटी चैट जिसमें मैं एक आध दो लाइनें एक तरह से लिख देता हूँ बट जो भी होता थोड़ा एक पॉजिटिव इफेक्ट होता ही है बट लॉन्गर फॉर्मेट नहीं लिख, लिखता मैं छोटी चीजें एक आध दो लाइन जैसे हो गई लिखता हूँ मैं लिखेगा तो मज़ा ही अलग है गुरु है एक सुबह आप उठें दरवाजे पे घंटी बजे सामने गुलदस्ता हो और किसी की लिखी चिट्ठी हो, हो ठप्पा लगा बच्चन, <laughs> बहुत बड़ी बात है। जरा दर्शकों को पता नहीं कैसे वो, वो मुझे दिन आज भी याद है वो बुके अभी तक रखा हुआ है हा, अच्छा हाँ उनका जिस तरह से भेजा था उस तरह से ही लिखा हुआ उन्होंने लिखा था मुझे अभी भी याद है कि पर्दे पे साधारण होना बहुत मुश्किल है नेचुरल और तुम थे और बहुत कमाल काम किया है तुमने और शुभकामनाएं उन्होंने ये चार पांच लाइनें लिखी थी और अभी भी मेरे सिद्धांत गली बॉय देखी और रहा ना गया किसी भी फिल्म में कलाकार को कैमरे के सामने साधारण रहना सबसे कठिन काम होता है आप थे आपकी अदाकारी के लिए बधाइयां और स्नेह अमिताभ बच्चन जी बहुत बढ़िया खुशबं आ गए होंगे पापा के लिए मतलब समझ रहे हैं टिकट ले लेके मतलब जिसके लिए जिसके लिए हाँ उनका आ गया मतलब अप्रूवल तो बहुत बड़ी बात है वो वो तो दिन मुझे आह वो कमाल का दिन था उस दिन लगा कि यार हो गया है काम कुछ तो हो गया है कुछ तो हो गया है शायद हो तो गया है पचने में समय लगा लेकिन हो गया है गुड और शाहरुख़ खान उनसे कब मिले शाहरुख सर से तो आ, मुझे याद है गली बॉय के बाद जोया के घर पे मिला था तो मेरे को बात कर रहा था एक आदमी आया मेरा हाथ पकड़ा और आ, मैं घूमा की क्रिसमस पार्टी में हाँ क्रिसमस पार्टी में मैं घूमा हूँ और वो शाहरुख खान है और उन्होंने मेरा हाथ चूमा और कहा कि यार देखो आ, जो कि मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ जो किरदार मुझे लगता है कि मैं शायद मुश्किल होता मुझे करने में और वो तुम्हारा तुमने कर दिया यार कमाल किया तुमने एक वो बार उस उस समय मिला उसके बाद अपने दोस्तों को लेके अभी हाल ही में एक जवान के बाद हम लोग गए सोहो हाउस में मेरे घर के बगल में ही है आ, ऐसा था कि हम बैठक चल रही थी हमारी लंबी और चीज़ें हो गई थी ख़त्म तो हमें लगा कि अब सो सो, नहीं हमारे घर बगल में ही है हा, ना हा, हा, हा। तो बैठे हम बैठे हैं कि यार चीज़ें हो गई खत्म अब क्या करें चलो सोहो में कुछ चलते हैं कुछ समझ, समझ रहे हैं <laughs> <रहा> है। <laughs> तो आ, आ, कुछ चलते हैं वहाँ तो वहाँ गए हम लोग वहाँ गए शाहरुख सर बैठे हैं आ, वो अनन्या के साथ और सुहाना के साथ और शनाया के साथ आए हुए थे और मेरे सारे दोस्त पगला गए बोले कि यार मिला दो यार तो मैं गया अनन्या के पास मैं शाहरुख सर के पास गया हूँ सर वो मेरे दोस्त हाँ बिल्कुल बुलाओ यार मिला उनसे फिर मैंने कि ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए फिर हम मैं नीचे गया नीचे मिला मैं लिफ्ट के यहाँ पे तो बोले कि कहाँ जा रहे हो तो मैंने कहा कि आ, सर वो अभी अपने बगल में ही है घर मेरा चलो आ जाओ घर आ जाओ मन्नत आ जाओ और सर सारे लौंडे मतलब वो लौंडे तो हम भी जवान हैं वाह मेरा बड़ा गाड़ी चालू करो सीधे उस दिन गाड़ियाँ भी नहीं थी हमारी कोई नहीं था हमारे पास गाड़ियाँ हमने चालू की हैं एक मेरा दोस्त अपनी डेट लेके आ रहा था उसकी हमने हाईजैक की गाड़ी में बोला बेटा चलो उसकी पहली बार हुआ से मतलब वो लड़की का डेट बर... पे सीधे उसका बर्थडे था उस दिन हाँ। और वो पहली डेट पे जा रहा है उसका बर्थडे है उस दिन और मैं बोला बेटा चलो हेलो हाय आई एम सिद्धांत हैप्पी बर्थडे इज लाइक लाइक थैंक यू आई लिसन वी आर गोइंग टू मन्नत चलते हैं तो सारे बैठ के गाड़ी में तीन पीछे ऐसे इकट्ठे चले गए मन्नत चार पाँच बजे तक पार्टी किए हैं मजा आया और आए फिर रिक्शा में बैठ के गाड़ी थी ना उस दिन तो बाहर निकले फीलिंग होती है ना। मन्नत के बाद भाई रिक्शा का जो मजा है बैठे और पाँच बजे भी लोग खड़े हैं यार बाहर सुबह खड़े लगी रहती है और मैंने रिक्शा लिया बोला यार मेरे दोस्तों के लिए मुझे ऐसा लगा कि यार भाई मतलब मैं तो, मैं तो फिर भी मिला हूँ उनसे लेकिन एक होता ना एक फीलिंग अपने वो बड़े फैन है मेरे सारे दोस्त मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ लेकिन मैं तो वैसे गया हूँ उनके घर पहले भी बट अपने दोस्तों के साथ जाना एक मुझे वो लग चांस का सीन याद आया अरे है। बिल्कुल सर एकदम मेरी जिंदगी वही है मुझे लगता है कई बार उतार दी गई है वैसे वही है अभी आपकी बातचीत में अनन्या का जिक्र आया जी एकदम से आप लोगों को आपको आउटसाइडर्स का फ्लैग बेर क्रांतिकारी जो आपने राजीव मसंद के शो में कहा कि जहां इनका यह हमारे सपने पूरे होता, इनका वो बात चल रही थी कोई दो तीन लोग फॉर थे दो तीन लोग का अपना पॉइंट था मैंने कंक्लूड किया स्टेटमेंट मैंने कहा कि देखो ऐसा है सब ठीक है लेकिन देखो जहाँ कि हमारे जहाँ सपने पूरे होते हैं वहां इनका स्ट्रगल शुरू होता है जो एक बहुत ही पोइटिकली जस्टिफाइड लाइन है बिकॉज वो बीच में है लाइन कि हमारे सपने पूरे तब होते हैं जब पहली फिल्म मिलती है इनका स्ट्रगल शुरू होता है पहली फिल्म तो मिल जाती है लेकिन एक्सेप्टेंस ऑडियंस एक्सेप्टेंस और प्यार उनको और मेहनत उतनी मेहनत करनी पड़ती है उनको भी ऐसा नहीं है कि मतलब फॉर ग्रांटेड है तो ये दोनों के बीच का बैलेंस था मैंने एक रियलिटी एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट दिया था इंटरनेट पर आग लग गई थी हाँ और उसको सर जैसा है कि हेट ज्यादा ट्रैवल होता है तो लोगों ने ऐसा एडिट कर लिया जैसे कि मैंने अटैक किया है या मैं आउटसाइडर ऐसा नहीं था मैंने बीच वाली लाइन बोली थी और ये लाइन मैंने शायद कई सालों पहले लिखी होगी जब मैं बकेला बैठा हूँ कहीं ना कहीं से जो हो नहीं रहा है और देख रहा हूँ कहीं एंक्स था उस लाइन में ऐसा नहीं नहीं था एंक्स तो था लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं बोला था कि किसी का कुछ डैमेज हो जाए तो आप देखिए वो चीज़ एडिट टेबल पर वो सब ख़त्म कर देते हैं तब मैं एक बोलता हूँ चीज़ें और कई लोगों को समझ में भी नहीं आई कि मैंने क्या बोल दिया उस समय बाद में आई थिंक वो ऐसा एडिट हुआ ऐसा हुआ कि वो बेचारी उसको

बहुत अच्छा और अभी भी बहुत अच्छा है हमारा हमारी दोस्ती हमारा यू नो भावना मैम जो है चंकी और हमारा लकी हम एक दूसरे के लिए लकी चाहे हम जब साथ में आते हैं तो कुछ ना कुछ होता है चाहे वो किसी तरह से ये हो राउंड टेबल हो चाहे गहराइया में जो पोलराइज रिव्यूज आए थे चाहे खो गए में जितना प्यार मिला है तो वो एक तरह से दूसरे के गहराइयों के लिए बहुत पोलराइज रिव्यू है हाँ था किसी को नहीं समझ आई किसी को समझ आई तो दोनों मतलब स्प्लिट था लेकिन बातें बड़ी हुई उस फिल्म के बारे में हाँ एक तो वो उस डायलॉग के बाद फिर सींग यू टू ऑन स्क्रीन टुगेदर जी लेकिन हमारे बीच में कभी ऐसा नहीं रहा हम अभी भी दोस्त हैं हमेशा से बहुत मेचोरली उसने हैंडल किया है उस चीज़ को वो और होता तो शायद ऐसा ना होता लेकिन हम मेरी मेरा भी इंटेंशन नहीं था जो मेरा सत्य था तो मैंने वो, वो कह दिया अब वो जैसे लोगों को लो ज़्यादा बिग बॉस वाली कंट्री है हेट ज़्यादा ट्रेवल होता है जल्दी लोगों ने ये नहीं समझा कि कौन कहाँ से आ रहा है क्या बोलने की कोशिश की गई है तो एक तरह से अब देखते हैं तो ऐसा होता है क्या करें How was it working with Ranbir in in Boy and then Deepika Gehraiya? good. गुड uh, Ranbir, I think जितने uh, से loud उनका जो image है और जो भी कुछ है इतने intelligent actor हैं वो इतने fact also ही मुझे लगता है कि वो character में किरदार में घुस जाते हैं तो वो मुराद थे मेरे लिए पूरी समय ऐसा कभी नहीं लगा कि Ranbir Singh के साथ काम कर रहा हूँ मैं तो he was very supportive, uh, uh, very sweet.

पागल लोग बोले कि छोड़े उसने भी पहली बार देखी कैरेक्टर so like, ये वो और वो दो तीन मिनट तक वो पहला इन फैक्ट पहले फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट माई फिल्म वॉज फ्राम हिम मैं यार कुछ तो मैजिक हुआ है यहाँ पे hmm. और उसके बाद हम प्रमोशन कर रहे थे हमारा एक कॉन्सर्ट था गली बॉ हमने प्रमोशन के टाइम कॉन्सर्ट मैं पैर ट्विस्ट हो गया टू ड था मेरा पैर फुटबॉल खेलते समय तो मैं लंग लंगड़ा रहा था वो उस समय मैं स्टेज पे मुझे जाना था अपना भाग भागा शेयर करने डिवाइन के साथ तो रणवीर वॉज वेरी लाइक कि अरे पैर ठीक है लंबा जाना है ज़्यादा मत जोर डालो उस पर ज़्यादा आराम से करो मैं तुम इतना ज़रा एक्साइटेड हो मुझे मालूम है पहली फिल्म है लेकिन आराम से सो यूज़ वेरी केयरिंग एंड बहुत इनफैक्ट वही पहले थे जिन्होंने मुझे बताया कि योर लाइफ इज चेंज एंड आलिया सेकेंड गली वगैरह स्क्रीनिंग पे सेम लिफ्ट में आ गया मैं मेरा भाई मम्मी और लिफ्ट जैसी ही बंद होने वाली है आलिया भट्ट आ रही हैं अपने बॉडी के साथ खड़ी हुई ऐसे उल्ट, मेरा भाई उल्टा भट्ट मम्मी ऐसे होगी भट्ट में कि हाँ पीछे जस्ट थर्ड फ्लोर पर लिफ्ट खुलिए घूमते हुए लगी यू नो यू लाइफ में चेंज रही तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है इसके बाद बताया हूँ तुम्हें जस्ट बिफोर वी आर एंटरिंग ओके मीडिया स्क्रीनिंग और ये सब था फर्स्ट बिग प्रेमियर प्रेमियर नाइट पे शी सिनेमेटिकली घूमी है पीछे और कहा कि तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है इसके बाद और शी जस्ट वॉकड ऑफ उसके बाद जो स्क्रीनिंग के बाद लोग बाहर निकले हैं कुछ अलग ही हो गया मतलब ऐसे माँ बाप मेरे खड़े हैं यहाँ पे और एक कुछ वेव आता है जर्नलिस्ट फैंस एवरीबडी जस्ट लाइक ऑलमोस्ट ऐसा लगा कि मुझे ऐसे उठा के एक, ले गए ऐसे बहा के मुझे कहीं तो मैं पापा की आंखों में आंसू मैंने देखे पूरे समय रो रहे थे फिल्म तो देखी आ नहीं उन्होंने पच्चीस बार देखी होगी हर रोज़ जाके देखते थे कहीं ना कहीं थिएटर में फोन बूथ जो आपने कहा कि बेकार फिल्म वो उन्होंने कम से बीस बार देखी है <laughs> तो ऐसे लगता है फिर कि यार ये फिल्म कर ली थोड़ा और क्योंकि आप ज्यादा फिल्म बहुत सोच समझ के कर रहे हो हाँ मैं समझ लेता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या कॉन्ट्रीब्यूट बूथ मुझे करना था कॉमेडी मुझे लगता है कॉमिक टाइमिंग थी और कॉमिक टाइमिंग अच्छी है अगर आप देखेंगे फिल्म भी तो कहानी या फिर उसके बारे में मैं नहीं कह सकता लेकिन मुझे कॉमेडी करनी थी No. देखिए <laughs> बाकायती होती है ना एक बाकायतीवल की फिल्म Comic है वो कॉमिक टाइमिंग है सर फनी है बट स्टोरी वाइज कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ चली जाती है बट ईशान और मेरी केमिस्ट्री देखना आपको वो मजा आएगा हाँ ईशान ऑल्सो कम्स अप विद लॉट्स ऑफ लेट एंड एनर्जी जो बिल्कुल वहीं एक्सप्रेस होती है yeah.

बैठ के बिना किसी एयर के बात कर सको तो वो उससे कितना कुछ सीखने को बड़ा क्यूरियस लड़का है एंड सीकिंग फॉर लाइफ किस्म का है वो कहीं चला जाए जंगल में एनिमल्स उसको देखता रहेगा वो कुछ अलग है वो किस्म का उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे आ, क्राफ्ट को लेकर समझ बहुत ज़्यादा है उसको बड़ा सेंसिटिव है अवेयर है मुझे बहुत पसंद आई थिंक आई फाउंड अ वेरी गुड फ्रेंड फॉर लाइफ ऑन दिस फिल्म रियली कने दोस्तियाँ रहती हैं शूट के बाद

बड़ा उसका आया आई थिंक है बहुत सारी चीज़ें इज़ चीज़ वेरी टैलेंटेड और म्यूजिशंस के साथ अंकुर तिवारी दोस्त हैं अंगद बेदी दोस्त हैं आम, आ, और भी बहुत सारे लोग हैं मतलब जो अलग अलग लेखक हैं यश सहाय जिन्होंने डायलॉग्स लिखे थे खो गए हम कहाँ के और गहराइयाँ के चीकू बोलते हैं उसको करना प्यार वो लोग आपको प्रिंस बोलते हैं <laughs> नहीं नहीं वो लोग तो सिडी अच्छा प्रिंस बलिया में बोलते बलिया हैं बलिया में बोलते हैं यहाँ क्या बोलते हैं सिडी सिडी हाँ तो है मतलब ऐसे दोस्त हैं व्हाट नेक्स्ट व्हाट्स इन द पाइपलाइन सर नेक्स्ट इज एन एक्शन फिल्म युद्रा युद्रा ये नाम क्या है यूद्रा? ये नाम इन एन एस लड़के का नाम है उसमें uh, कुछ क्वर्किंग नाम है लीड रोल है लीड रोल है यू एन मालविका मालविका मोहन फुल ब्लोन एक्शन फिल्म फरहान सर ने लिखी है स्क्रीन प्ले और श्रीधर राघवन ने स्टोरी लिखी है ओजा ने डायरेक्ट ये शूट की है जिन्होंने गली बॉय शूट की थी रवि उदय और जिन्होंने मॉम बनाई थी वो डायरेक्ट कर रहे हैं और रवि जो नितेश तिवारी के साथ रामायण भी जी जी वही है आ, उनके साथ एक और फिल्म मैं कर रहा हूँ अभी हाल ही में जो रोमांटिक फिल्म है जो अभी अनाउंस हो जाएगी उसमें कौन किसके साथ है सर वो अनाउंस हुई नहीं अभी तो मैं कैसे अपना छोटा हूँ बड़ी बात वैसे की तरह हिंट कर दो ना संजय लीला भंसाली वाली फिल्म का क्या स्टेटस है से? वही है ये <laughs> सर ये सब काट दीजिएगा मैं दिक्कत आपने ना। कुछ बोला नहीं मैंने बोला ना आ, कि तो मेरी रिसर्च है ठीक है वही है। तो उन्हीं के साथ कर रहा हूँ तो... देखिए ऐसा है साहब हम लोग जब बड़े हुए और संगीत सुनना शुरू किया हम तब से बैजू बाबरा के बारे में आ, सुन रहे हैं नहीं वो तो नहीं है सर हाँ वो नहीं है ये अच्छा ये अलग है ये अलग है सर कभी कभी ब्लफ काम भी नहीं करते नहीं। <laughs> हाँ पर आप और मुणाल पहली बार साथ में काम कर रहे हैं आप कुछ नहीं बोल रहे एनडीए आपने साइन किया मैंने नहीं किया हाय मैं जल ले सिस्ट माई जॉब हाँ पहली बार कर रहे हैं बहुत प्यारा काम किया था सीतारमन बहुत उनका भी मैं उनका काम ओह शी लुक्स She's amazing. She's an amazing आएगा, भी आया बहुत प्यारीगा समय मिले तो एक काजोल के जमाने में जो एक relativity लगती थी ना कमाल सी ब्यूटी थोड़ी सी सुपर चंचलता, चंचलता। you... थर्टी में कितनी कमाल थी मुझे छोटा सा एक पैच आता था तभी से मुझे बहुत पसंद था उनके साथ एक मौका मिल रहा है काम करने का रोमांटिक फिल्म है और तृप्ति के साथ वो हो चुकी है शूट सभी बताओ मैं तो यहाँ फंस गया हूँ भाई <laughs> मैं, आ, आपने थोड़ी डिस्कलोज किया तो हम पूछ रहे हैं ना हाँ वो भी वो हो चुकी है जल्दी ही है, वो भी अनाउंसमेंट आ जाएगी वो भी एक किस तरह से रोमांटिक ही है पर परियरम पेरुमल का रिमेक है <laughs> <laughs> एक तो वहाँ माता पकड़ रही है वो बैग जो लाई थी उसमें घुस चुकी है वो आप हेलो <laughs> uh, uh, सर मैं काम बोलिए मैं काम जरूर कर रही थी लेकिन काम कर रही थी आपके बार बार ऐसे शब्द आ रहे थे ददरी मेला या फिर जूतिया uh. मैं बलिया की ही रहने वाली हूँ तो ऐसा लग रहा था कोई जान पहचान का इंसान बैठा हुआ है तो मुझे पूछना था कि बलिया में जैसे विजयशी की टिक्की है बोला का छोला है अशोका पेप्सी ये बोला का छोला हाँ मतलब ये खाने पीने की जगह या फिर घूमने की जगह सुरा, वन विहार। हाँ। तो आप इनमें से किन जगहों पे गए, गए हैं मतलब आ... देखिए मुझे तो लग रहा है कि जितना मुझे याद है बचपन में तो मैं इन सारी जगहों पे घुमा आ... मुझे टिकरी बड़ी पसंद थी मेरे जी जी आ... जो बान कहते हैं हाँ। ना लगी है जन बान हाँ। उसे जाके टिकरी तुम भी बोलिए हो क्या अरे हम क्रिकेट खेले है साथ में बचपन बगीचे में <laughs> अरे ये हीरो का दोस्त है इसको दिखाओ क्या अरे माइक 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 पे, <laughs> माईक पे, माईक पे, माईक पे हाँ। <laughs> क्या नाम है तुम्हारा इंट्रोडक्शन बताओ रोहित क्या नाम है तुम्हारा मेरा नाम तो रोहित ही है तुम कभी बताए नहीं कि तुम हीरो के दोस्त हो नहीं नहीं ऐसा कुछ है नहीं वो कह रहे हम क्रिकेट खेल रहे हैं साथ में क्रिकेट खेले हैं ये बचपन में ही चले गए थे इनके पापा हमारे यहाँ आते जाते थे और जा लगा इनके पापा हमारे दोस्त दोस्तों पढ़ाओ अंकल जी नहीं नहीं मेरे चाचा और इनके पापा फ्रेंड हैं तो mm. इनके घर से हम लगभग सौ मीटर दूर हमारा घर था इनके घर के जस्ट सामने एक गड्ढा था में हाँ हाँ तुम नगवा के हो कुछ होता था ना फ हमारी तरफ कोई फंक्शन पड़ता है तो एक घर होता है जो लंबा चौड़ा होता है उसमें यानी धान का जो धान का जो नीचे का हिस्सा होता है उसको पुहरा कहते हैं उसको पूरा बिछा दिया जाता है और उसी पे पूरा परिवार होता है तो वो घर किसका था इनका घर तो था एक लंबा शेड का इलाका था वो करकट -कर जिसमें घोड़ा गोड़, आपका बनता था घोड़ा तो, कितने घोड़े थे गुरु अरे एक ही था <laughs> एक था दो दिन के लिए था मेरा सवाल यह है कि मुन्ना भैया की आ, कुछ यादें आपको हो जो मुन्ना भैया आप आप लोगों के चले जाने के बाद उन्होंने एक वो खोला था आटे चक्की आटे का हाँ तो आटा चक्की खोला बगीचा का उसको काट के वहां पे आटा चक्की का चला था उनसे संबंधित कोई याद जो हो ना भैया बड़ा एकदम तो सुपर हीरो वाला किरदार आए गए पढ़ाने स्कूल छोड़ने से लेके और सब कुछ करते थे भाई सब कुछ करते थे सब कुछ ए टू जेड सारी चीजें मतलब बाबा के खास वो बचपन से ही थे हमारे घर पे अभी भी, भी हैं उनके साथ इतनी याद है जैसे मैंने कहा कि साइकिल ले जा रहे थे साइकिल में पैर डाल दिया और पूरा चक्का जाम कर दिया कि मतलब खरीदो ही कलर पेंसिल तभी जाएंगे बांध में नहीं था दुकान होता था वो सब उसके बाद तीर मैं रामलीला देखना तीर धनुष का बड़ा शौक था हाँ। तो वो बांस का लकड़ी काट के वही लाते थे बांस का लकड़ी के लाते थे और गणासी से उसको काट के उसके ऊपर वो धागा रख के उसके लंबा लंबा क्या उस होता है यार वो चिकुनी चिकुनी हाँ चिकुनी पे तीर चलाता था मैं और उन्हीं के पीछे भागता था लेके और वो भागते थे आगे आगे तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ और लेमचूस लेमचूस वो लेम्चूस लेम्चूस वो खरीदता था मैं वहाँ पे और पार्ले जी बिस्किट मुझे बड़ा पसंद था तो रोज शाम को बिस्किट में डुबाओ के ये सारी चीज़ें अरे उसका तो कोई जिक्र करता है खाने का मन कर जाता है में अखार के। अखार के टिकरी बड़ा मजा आता था यार टिकरी मेरा फेवरेट अभी भी और ले जाओगे तुम यार वहाँ अब तो मुझे याद आने लगी चीजें धीरे धीरे आपने अभी तक जितनी भी कहानियां बताई अपने बारे में उसमें आपके करियर बचपन से लेके और फिल्म इंडस्ट्री सब के बारे में बात की आपने तो ऐसी कौन सी चीज है जो कोई मेमोरी है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि ये एक बार और जी लेता ना जो बीत चुका है तो मजा आ जाता बलिया देखिए मैं आंखों में आंसू आ आगे मैं सोच रहा था वो जब दादी बाबा नहीं रहे गुजर गए उसके बाद जाना कम हो गया वहाँ पे Uh, मुझे याद है जब मैं अठारह साल का था मैंने uh, पहली बार मतलब जब मैं uh, हालांकि जब बाबा गुजरे थे uh, पहली बार फ्लाइट में चढ़े थे हम लोग की बॉडी रखी गई थी uh, तब तक पवन एक्सप्रेस में जाते थे पहली बार फ्लाइट में एक चढ़ने का ऐसा तो मुंबई से बनारस बनारस वहाँ से गाड़ी लेकर रात भर का सफ़र होता था तो ऐसा तो ऐसा लगता है कि पहली बार हवाई जहाज़ में चढ़े तो यादगार मेरे लिए सबसे ख़तरनाक वो याद याद है क्योंकि पहली बार मैं जहाज़ में जब चढ़ा था जब मुझे पता था मेरे बाबा बाप नहीं रहे वो बहुत मानता था मैं उनको तो वो उन उस उस पल के पहले जितने भी साल हैं ना अगर वो फिर से कहीं ना कोई मुझे इकट्ठा करके दे दें तो मूँगफली जैसे खाते हैं उसी में एक एक यादें मूँगफली जैसी हैं उसमें तो वो है जो जीना चाहता हूँ फिर से ये हमारे सिनेमा के करता धरता है सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं जैसे कि मैं इतने <laughs> बड़े कि कोई सलमान खान की फिल्मों की बुराई कर दे तो ये ये बुरा <laughs> मान जाते हैं पर्सनली पर्सनली <laughs> <laughs> पूछ रहा था मैं आपसे कि आपका एक स्टेटमेंट है कि मैं रेलिवेंट रहने के लिए स्ट्रगल नहीं करूंगा uh. मैं रेयर होना चाहता हूँ क्या मतलब है इसका इनफैक्ट दिस इज हाउ दे क्लोज दिस रिसर्च ऐसा है कि uh, आज कल न चीज़ें uh, बड़ी ही क्षणिक हो गई हैं इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया की वजह से uh, आपको दो मिनट के लिए चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं तो रेलिवेंस जितनी जल्दी कोई फेमस होता है उतनी जल्दी नीचे चला भी जाता है क्योंकि कोई और आ जाता है कोई और आ जाता है बट तो जो रेयरिटी है ना अगर आप खास हैं आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो कोई और नहीं कर सकता उसकी आई थिंक हमेशा वैल्यू रहेगी और वो वैल्यू बढ़ती ही रहेगी लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि पॉप कल्चर का पार्ट है या जो रेलिवेंट है जो चलो भाई ये चल रहा है इसका फार्मूला बना के ये कर देते हैं भाई एक्शन चल रहा है तो एक्शन बना देते हैं या ये चल रहा है तो ये बना देते हैं तो वो नहीं करना है मुझे मुझे ऐसी चीज़ें लानी हैं जो कि कुछ नई हो और जो लोगों के साथ रह जाए उनके जहन में तो दैट्स वाई आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी रेयर देन टू बी रेलिवेंट मैं आई हैव नो फियर मुझे नहीं डर लगता कि लोग मुझे भूल जाएंगे क्योंकि मुझे याद है मुझे पता है कि जब uh, मैं कोई नहीं था मुझे इसमें नामों निशान नहीं था कुछ पाँच साल पहले इस इंडस्ट्री में और जब मैं आया तब ऐसा लगा कि यार कि कुछ कोई आया है एक ऑलमोस्ट अराइवल वाला फीलिंग सबको आ गया था तो वो कॉन्फिडेंस मुझे वहाँ से आता है कि मुझे uh, जस्ट बिकॉज कि मेरा चलता रहे भाई ये स्टार एक हवा बना रहे इनके बगल में और दस चीज़ें होती रहें मुझे वो नहीं चाहिए मैं अपने गुफा में फिर चले जाऊँगा एक साल काम करूंगा फिर कुछ लेके ऐसा निकलूंगा कि फिर लोग बोलेंगे कि अरे यार मज़ा आ गया मजा आ गया या कुछ अलग किया है कुछ नया किया है तो मैं खोज में हूँ उस चीज़ के आई वॉन्ट टू बी आई सेड आई वॉन्ट टू बी रेयर इट्स नॉट आई एम रेयर मैंने कभी नहीं कहा कि मैं रेयर हूँ सो मैं खोज कर रहा हूँ उस रेयरिटी की एक ऐसा कोई जो पदार्थ है ऐसा कुछ एलिमेंट जो कि हो और शायद मिल जाए कभी जिंदगी में या पता चले कि ये खोजी थी जो रेयर थी जो किसी भी और में नहीं थी <laughs> तो यही है आ, हेलो सिद्धांत हेलो आ, मेरा सवाल उसी स्टेटमेंट से है जो आपने वहाँ पे नन्ने से कहा था उस टेबल पे तो अगर अभी आपको कुछ समय हो चुका है उस स्टेटमेंट को दिए हुए तो अगर अभी आपसे कोई पूछे कि आप, आप क्या कहोगे उस बारे में या कि बैक

मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अगर किसी ने स्टारकेट है कोई तो उसका चुनाव तो नहीं होता वो तो इसलिए जब वहाँ वो स्टेटमेंट आता तो फिर वहाँ पे एक वर्सेस वाली बात ही आती है ये सेट हैलो सिद्धा हेलो हेलो आपने बताया कि आप बलिया से हैं और आप बनारस भी रहे हैं तो हमारा रोड से ही सवाल रहा ला कि बलिया बनारस में जो दो तरह के भोजपुरी बोल जाला वहाँ बलिया में तनी अलग बोल जाला बनारस में तनी अलग बोल दे रहे बने लोग आपके का अंतर बुझाला दोनों शहर के बारे में अगर एक एक लाइन या एक एक शब्द में बोले के बोला आ, बलिया में ऐसा बा है आ बनारस में स्वैग बा मतलब ये है मैंने देखा है जब भी मैं तो बनारस में आ, क्या बोलते हैं उसको आ, आ, उसको क्या बोलते हैं यार वो ऐठ के जो एक जो ठसक ठसक जो शब्द है अब बलिया में ती तो मिठास बा प्यार बा बलिया में ऐट तो बलिया वालों में भी बहुत ऐट नहीं होता बलिया वालों में पता नहीं चलता कि कब कब कब, कब चिड़िया पंख मार जाए <laughs> बलिया वाले उस किस्म में मिठास मिठास बोल के ऐसा कुछ हो जाए कि मैंने मंगल पांडे खड़ा हो जाए एक दिन तो वो है कि मीठा मीठा है लेकिन अंदर बड़ी आग है और बनारस में जो है वो है मतलब ऐसे ही बात होती है और अलग अलग है दोनों एक अपना ही कुछ उसमें खासियत है दोनों की थैंक यू लास्ट थ्री क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस जो सोशल मीडिया पूछे गए पहला सवाल इश्ता चौधरी और कविता दोनों ने ही गली बॉयज रिलेटेड पूछा है पर उसको मैं मिक्स कर देता हूँ एम सी शेयर के कैरेक्टर को लेकर कोई स्पिन ऑफ आ सकता है क्या आ, मुझे लगता है कि वो जो चीज़ अच्छी है उसको छूना नहीं चाहिए आ, और मेरे हाथ में नहीं है ये ये प्रोड्यूसर्स के हाथ में है अगर वो चाहें तो वो बना सकते हैं Uh, और मैं शायद एक्साइटेड भी रहूंगा करने के लिए अगर ना हो तो भी ठीक है क्योंकि जहाँ तक uh, जो कहानी थी वो प्यारी थी वो अच्छी थी वहीं तक ठीक है राजेश का सवाल है शाहरुख या सलमान के साथ रोल या किसी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट में लीड रोल वॉट चूज ये मैं ऑलरेडी चूज कर चुका हूँ एक बार और इसकी अलग कहानी है लेकिन स्ट्रॉन्ग uh, स्क्रिप्ट में लीड नहीं रोल नहीं, नहीं, क्या कहानी मुझे अलग कहानियाँ सुननी पसंद एक बड़ी फिल्म थी उसमें का था पार्ट आ, उसके लिए आ, कंसिडर हो रहा था मैं लेकिन मुझे लगा कि मतलब अभी बहुत जल्दी है क्या बैकग्राउंड में झूमे जो पठान बजना था <laughs> मुझे <laughs> लगा कि बहुत जल्दी होगी इस इस तो शायद मैं तैयार नहीं था उसके लिए तो पहले लगा कि मैं पहले हीरो तो बन जाऊँ फिर विलन बनूँगा शायद कभी <laughs> प्रियंका का सवाल है कोई ऐसा फिल्मी रोल पहले फिल्म आ चुकी हो जो आपको लगता हो यार काश ये मैं कर पाता दस साल बीस साल तीस साल कोई भी फिल्म Um, देखिए मैं ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो कि मैं चाहूँगा कि मैं करूँ आनंद एक ऐसी फिल्म है कौन सा रोल um, बच्चन साहब वाला बच्चन साहब वाला आई नो इट्स बट पता no, नहीं बच्चन साहब वाला किरदार um, क्योंकि वही मुझे लगता वो है वो मीडियम है टुवर्ड्स जी ऑडियंस और एक प्रोटैगनिस्ट है जो कि एक कमाल का है लेकिन ज़रिया उन्हीं के हो के वो एक आंसू जो बहते हैं वो जरिया वो हैं मुझे ज़रिया बनना है तो वो एक फिल्म है और दूसरी फिल्म है आ, 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 थ्री डेट्स आमिर बड़ी पसंद है मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगती है मुझे बहुत प्यारी फिल्म बहुत प्यारी और क्या किरदार है वो रेंचो मतलब वो लाइफ के सारे सोल्यूशंस मुझे मैं जब अभी भी हर महीने वो फिल्म एक बार देखता हूँ जब भी मुझे लगता है यार कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही यार ऐसा बनना है केयर फ्री कमाल कैरेक्टर सो आई थिंक रैंचो एक वो किरदार था जो मुझे कमलेश्वर पूछ रहे हैं आपने सीए की पढ़ाई की है अपना टैक्स और आईटीआर खुद भरते हैं या कभी दोस्तों को हेल्प करते हैं इसमें बिल्कुल नहीं मुझे कुछ याद नहीं है गलत कर दूंगा मैं सारा पापा करते हैं ये सारी चीज़ें और मैं इतना होने के बाद मुझे लगता है कि आपको ना टैक्सेशन में अपडेटेड भी होना पड़ता है इतना मजाक नहीं है कि आप पास कर लो उसके बाद वो चीज़ें काम आ जाएंगी बहुत सारी चीज़ें आ गई मैं जब पढ़ रहा था जी एस नहीं था अलग चीजें थी तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ गए तो वो वो उससे रहना पड़ता है मैं मेरे मेरे चीज बातचीत में बता देते हैं, बट उस इतनी नहीं हो पाती। आपको पढ़ना पड़ेगा वो के। तो पापा करते हैं सवाल हाँ। कौन सी कविता सुनाएंगे कविताएं सुना दी सर जो अभी हाल में लिखी हो एकदम ताजा डाल डाल की टूटी कौन सी सुना सारी तो हो गई अभी कहा शुरुआत की कविताओं के बाद रुकी गए थे अरे अरे कवि को मंच मिल रहा है प्रिंस बाबू और क्या चाहिए स्पॉटलाइट में डाल दिया है इसी की तो तैयारी थी इतने बरस <laughs> क्या कविता कह दू ये कविता कहे उससे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा डब्लू टी एफ के बुनियादी पत्थर हमारे फैजल भाई के सबके सबसे अच्छे दोस्त अमित सियाल को अरे

Uh, जी सारी मीटिंग सब कुछ वहीं हुआ करती थी सिद्धांत बाबू हम जिस काम में हैं हमें बहुत अलग अलग किस्म के लोगों से बात करने का मौका मिलता है एक्टर्स से सिंगर से पॉलिटिशियंस से ब्यूरोक्रेट्स से लॉयर्स से डॉक्टर से आ, और वो जब बताते हैं तो हम और हमारे दर्शक बहुत सीखते हैं बिकॉज दे ओपन अफ वर्ल्ड आ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आ, आप लगभग ऐसे ही बने रहें और आपकी तमाम सुबह आ, आप दुनिया में कहीं भी रहें गोरेगांव के घर की जो ध्वनिया है ना वो आपकी स्मृति में आपके संस्कार में बनी रहें क्योंकि ये एक चीज़ है जो हमें बनाती है ना जब आप गली बॉय की बात कर रहे थे तो एकदम से जो आपके अंदर अतिरिक्त ऊर्जा आई थी वैसी ही ऊर्जा आप नगवा की बात करते हुए या मुन्ना भैया की बात करते हुए hmm. आप अपने भीतर लाए थे और यही सार है अब तक के जीवन का सो स्टे लाइक दिस ऑसम स्टे क्रिएटिव एंड कीप सेइंग नो डैम गुड रीजन टू से आज के ललन टॉप अड्डे में इतना ही संवाद का सिलसिला चलता रहेगा शुक्रिया